ना बंदिया तेरी औकात है ना तेरे बस की बात है, ना बंदिया तेरी औकात है ना तेरे बस की बात है, ये जो सब चला रहा है ना ये मेरे अल्लाह की जात है। और ये जो फैला है कूबकू, ये जो फैला है कूबकू, ये उनका शुगल मेला है, जो जरे जरे को याद है वो मेरे अल्लाह की जात है। Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host, Dost Jigjani, yani ke DJ Mani, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत 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 मुबारक हो। मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा मगर खलूस से भरपूर, की हालत वाडा ठीक हो, हिट हो, फिट हो, लश हो। यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे, लश होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी नए और पुराने तमाम लिसनर्स को प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। जनाब 2020 जाते जाते बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके उसका सूरज जो है वो गरूब हो चुका है, 2021 जो है उसका सूरज अब तुलू हो चुका है। तो बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आप सभी लोगों के लिए कि 2021 आप लोगों का बेहतरीन गुजरे। सबसे पहले जनाब जिन जिन की आज बर्थडे है सबको बोलेंगे जी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मेनी मेनी ते मेनी मेनी ते मनी मनी ते मनी मोर जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, इसी दुनिया में हल्के फुल्के तके खाते रहो। जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है मेरी तरह उन्हें बोलेंगे जी गेट वेल सून। जिन्होंने पेपर्स दिए, पेपर वैसे दिए किसने है? आज जनाब काफी अरसे के बाद ये आवाज आपको सुनने को मिल रही है, सो बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने इतने अरसे में मुझसे राबते में रहे, मुझसे मेरी सेहत के हवाले से पूछते रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं वहां तो सबको रिप्लाई नहीं कर सका या सबको जवाब नहीं दे सका, लेकिन आज मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर वो कहते हैं ना जी अच्छे वक्त चल रहे हो तो सभी दोस्त होते हैं, लेकिन जब बंदे बुरा वक्त आता है तो बड़े कम लोग हैं। लेकिन मेरी 101 फैमिली ने ये साबित किया कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जो है वो मुंसलिक हैं, मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत ट्रैक के साथ और वापसी होगी आप लोगों के मैसेजेस के साथ। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी। आहा बड़े प्यार से तनु तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तनु तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, करे आईफोन लाइक रखे हाया पुसा बाइक, आईफोन लाइक रखे हाया पुसा बाइक, मार सर चा तू हॉलीवुड रॉक ते, तेनु तकिया मैं बिल्ला टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तेनु तकिया मैं बिल्ला टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, अदी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी, जिमी चुचू पावे नी तू चाली चाली लख दी, फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जीणियां, उन्हां फोटोआं दे नाल दिल साड़ा ठगदी, तेरा ऐपड़ वाला फोन वखरी है तेरी टोन, ऐपड़ वाला फोन
वखरी है तेरी टोन लागे अखा दे निशाने मुंडे ठोकते तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तेरी अखिया दा शेड दिलो सिल्वर शाइन लोर विच रहके नी तू सुने लिल वाइन मैं भी वेख तेनू हो गया क्रेजी ना करो तैयो पार्टी च भी के आया आज जन्ना 4471 यानी 4471 आप लोग मैसेज कर रहे हैं वहां पे और वहां से आप लोगों के मैसेजेस आज पढ़े जाएंगे। और पहला मैसेज है जी यूबी राजा मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी सियालकोट से मानी भाई कैसे हैं जी, मेरा 29 को रिजल्ट आया तो मैं भी पास हो गया, बीकॉम मैंने पास कर लिया, ठीक हो गया जी। नाजी इमरानियन चकवाल से कह रही है आई मिस यू आई मिस यू आई मिस यू एंड आई लव यू मानी भाई, जीती रहो हंसती रहो। उस्मा खटक ने टेक्सला से मैसेज किया, कह रही है जी के हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, कह रही है जी के 101 आपके बिना वीरान हो गया था। नहीं जी इतने खूबसूरत खूबसूरत आरजेज आपके साथ थे। और जनाब उज्मा खटक की आज बर्थडे है, सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मेनी मेनी थे मेनी मेनी थे मेनी मोर। अच्छा जी इजना ने लाहौर से मैसेज किया, कह रही है वेलकम डीजे बहुत शुक्रिया। हलीमा इमरानियन कह रही है मेरी दुआ थी और यकीन था कि आप जल्दी से वापस आएंगे और अल्लाह आपको हासदीन से बचाए। माहीन अहमद है जी मरी से मैसेज कर रही है, कह रही है लव यू डीजे जीते रहे हंसते रहे। अच्छा जी फातू महरी, अच्छा जी फाती महरू इमरानियन इस्लामाबाद से कह रही है कैसी तबीयत है शहजादे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और मानी भाई जिस दिन हमें पता चला था कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है उस दिन हम इतने रोए थे, बहुत शुक्रिया यार आप लोगों ने बड़ा पूछा मुझसे, बहुत फील ही नहीं हुआ कि मैं ये जो टाइम था मैंने अकेले गुजारा। अच्छा जी शुक्र है जी मेरे अल्लाह का मानी भाई आप वापस आ गए। शमसा सना ने लाला मूसा से मैसेज किया, माहीन ने मैसेज किया जी। काशिफ अब्बासी मरी से कह रहे हैं मुर्शद ठीक है, कह रहे जी 2021 मतलब आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। काशिफ आपको भी मुबारक हो। सानिया नूर है जी, उन्होंने कहां से मैसेज किया गुजर खान से, कह रही है हेलो भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं आपको बहुत मिस किया कसम लव यू मानी भाई, मेरे लिए एक शेर बोले ना हैप्पी न्यू ईयर, आज मैंने आते साथ आपको नया कलाम सुनाया, वैसे कैसा लगा आप लोगों को मैसेज करके बताएं। अच्छा जी आई एम योर बिगेस्ट फैन, माहीन अहमद मैसेज कर रही है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं जी, समी अब्बासी ने केपी के हरिपुर से मैसेज किया, कह रहे हैं जी के इमरान अली मानी भाई मोस्ट वेलकम, शुक्र है जी आप ठीक हो गए बहुत ऐसे ही है। हलीमा अजमत ने रावलपिंडी से मैसेज किया, कह रही है हाय क्या हाल है मानी भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया, शुक्र है जी आप ठीक हो गए, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए आमीन। अच्छा जी हाजरा अली ने मैसेज किया हरिपुर से, कह रही है अस्सलाम वालेकुम भाई तबीयत कैसी है, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा जी नाइश ने मैसेज किया, कह रही है हैप्पी न्यू ईयर बहुत शुक्रिया। काशिफ अब्बासी कह रहे हैं जी के माहीन को सलाम, ठीक हो गया एक नवा कंडा जुड़िया लग रहा है। अच्छा जी हिफ्सा इब्रानियन कह रही है कोटली सतिया से थैंक्स गॉड मानी भाई आप आ गए, आई मिस यू मानी भाई है आई मिस यू टू। अच्छा जी नैना अवान मैसेज कर रही है कहाँ से, गुजरांवाला से, कह रही है शुक्र है जी आपकी आवाज सुनने को मिली 101 की शान यानी के इमरान, अस्सलाम वालेकुम जी 101 के ईमान शान और जान। अच्छा जी एनी कह रही है वेलकम टू द शो बहुत शुक्रिया, मैंने कहा 2021 आ गया मानी भी आ ही जाना चाहिए है। अच्छा जी शेख खुबाए बर्बाद से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भाई कैसे हैं आपकी तबीयत कैसी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। मोहम्मद अफसर इमरानी कह रहे हैं लिसनिंग यू भाई, शुक्र है जी आप ठीक हो गए, बहुत सारी दुआएं की है मैंने आपके लिए, तुम्हारी दुआओं पे जिंदा हूँ जीते रहो। अच्छा जी हीरा मानी सियालकोट से मैसेज करी, कह रही सलाम मानी जी वेलकम बैक गेट वेल सून प्लीज बर्थडे विश कर दो, मेरा साल भी अच्छा हो जाएगा, सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मेनी मेनी थे मेनी मेनी थे मेनी मोर। जीती रहो हंसती रहो मुस्कुराती रहो जी। शुमाइला ने सियालकोट से मैसेज किया, कह रही है मानी जी लगता है जी आप ठीक हो गए, बिल्कुल ऐसा ही है जी ठीक तो मैं हो गया अल्लाह का शुक्र है, मेरी आवाज से लग रहा है आपको ऐसे 3-4 दिन के लिए आवाज जो थी वो गायब हो गई थी। तारा इमरानियन ने गुजर खान से मैसेज किया, कह रही है अल्लाह पाक आपको खुश रखे बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जी काशिफ अब्बासी कह रहे हैं मुर्शद लव यू कुर्बान। अच्छा जी हादिया ने चकवाल से मैसेज किया, कह रही है जी फाइनली आप आई गए भैया, हाँ देखे ना वो कहते हैं ना वो डूबना ही पड़ता है उभरने से पहले, डूबना ही पड़ता है उभरने से पहले, गरूब होने का मतलब जवाल नहीं होता।
ਚੱਕ ਦੀ ਜਿਮੀ ਚੁੱਚ ਪਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ ਚਾਲੀ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਦੀ और जनाब जितने आप लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अल्लाह करे जी 2021 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और वो ख्वाहिशात जो कि आपकी 2020 में पूरी नहीं हो सकी वो सारी की सारी पूरी हो। रात के इस पहर जहां कोई नहीं जाता जी वहां हम जाते हैं, हमें कहते हैं 101। मेरा नाम इमरान अली मानी, जिशान इमरान मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी पिंडी से, मानी भाई कैसे हैं, मिस यू, हैप्पी न्यू ईयर, शुक्रिया। अच्छा जी सईदा फैसलाबाद से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं जी के मैं बड़ी रोई जब मुझे पता चला मैंने आपके लिए कुरान खवानी भी करवाई, बहुत शुक्रिया, जीती रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। जैरी इस्लामाबाद से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं वेलकम बैक मानी भाई। आसमा खान ने कराची से मैसेज किया, कह रही हैं जी कैसे हो भाई असफंद यार खान को, ठीक है जी, ओके ठीक है, मैं वैसे ऑन एयर नहीं कर सकता आपका ये मैसेज। अच्छा जी जरलिश ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रही है मलिक सलीम की बर्थडे है सो विश कर दें सलीम मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी ते मैनी मैनी ते मैनी मोर, जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। सानिया नूर ने गुजर खान से मैसेज किया, उसके बाद जी पाखैर अगले मानी जी लिल्ला जनाब, इनकी तरफ से भी शुक्र है जी कि मैं वापस आ गया। और ये कह रही है जी आई एम योर बिगेस्ट हीटर, अच्छा ठीक हो गया, वैसे सर्दियों में हीटर ही चाहिए होते हैं, फैन लेके तो बंदे कड़ाके निकल जाते हैं। अच्छा जी नोशी ने पिंडी घेब से मैसेज किया, कह रही है गुड हो गया मानी। रावी रोड से मैसेज कर रही है, कह रही है कैसे हैं आप, मैं वैसे ही पुराना खराब ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्सा ने चकवाल से मैसेज किया, कह रही है मानी आई मिस यू सो मच, शुक्रिया। फातिमा इशाल ने पिशावर से मैसेज किया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है जी आप वापस आ गए, हमने आपको बड़ा मिस किया। वैसे मैंने भी आप सबको बड़ा ही मिस किया, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, जितना मिस आप लोगों ने किया ना उतना ही मिस मैंने भी किया आप लोगों को, लेकिन बस ऐसा सीन ऐसा था, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं नहीं आ सका। सो जनाब जितने मेरे पठान यार दोस्त बेली सजन मित्र मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं सबके लिए मेरी तरफ से ये ट्रैक है जी, सुनिएगा एंजॉय कीजिएगा, वापसी होगी फिर होगी गपशप, स्टे ट्यून टू 101। मारा नाम माननी है अच्छा जी हसन ने फैसलाबाद से मैसेज किया, हसन बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, खुशी कह रही है कराची से कि मैंने आपको इंस्टा पे उमर अवान के साथ सुना और तब आप लोगों को ज्वाइन भी किया था, बड़ा अच्छा लगा था आपके साथ लाइव आकर। हाँ जी उमर अवान के साथ एक दिन मैं लाइव था, ये तो लास्ट मंथ मेरा ख्याल है कोई 10th 11th की बात है ये। अच्छा जी निदा मोहतार ठीक है दौलताला से मैसेज किया, कह रही है मानी भाई कैसे हैं, शुक्र है जी लाख लाख शुक्र है जी मानी भाई आप ठीक हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सगा भाई बीमार है, बहुत खुशी हुई आपको दोबारा देखकर, बहुत शुक्रिया। शादाब अबासी रावलपिंडी से कह रहे हैं मानी भाई आई लव यू टू है। अच्छा जी एहतशाम खालिद सुहावा से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर मानी। अनु मानी इमरानियन कह रही है शुक्र है जी आप आ गए, मिस यू अलॉट, आपकी आवाज बड़ी मिस की मैंने, रेडियो से आवाज ही आती है ना।
अच्छा जी, काशिफ अब्बासी ने मरी से मैसेज किया, उसके बाद जनाब इकरा मैसेज कर रही है रावलपिंडी से, शादाब अली ने मैसेज किया रावलपिंडी से, सना ने मैसेज किया कराची से, बहुत शुक्रिया, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा जी, सबा ने मैसेज किया मरदान से, कह रही है सॉरी मैं नाम भूल गई थी, पाकैर रागले एसएमएस वाली हूँ, ठीक हो गया। नबीला मलिक रावलपिंडी से कह रही है हैप्पी न्यू ईयर, आपकी आवाज सुनने के लिए मिली गई आखिर, गेट वेल सून, बहुत शुक्रिया। उमेर सत्ती है जी मरी से कह रहे हैं न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारक हो। ईशा ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रही है शुक्र है जी आप आ गए, रिकॉर्डिंग पे गुजारा कर रहे थे हम लोग, खुश रहिए। जनाब मुझसे रबते का दूसरा नंबर जी 101 का ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101ChannelPakistan, वहां से भी आपके मैसेजेस पढ़े जाएंगे। आज जारा ने मैसेज किया सरगोधा से, कह रही क्या हाल है भाईजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र है जी आप आगे ठीक है। हफ्जा इमरानी गुजर खान से मैसेज कर रही है, उसके बाद अली ने मैसेज किया हैदराबाद से, हफ्जा इमरानी गुजर खान से मैसेज कर रही है, अनिला ने मैसेज किया लाहौर से, अच्छा अनीला अकबर ने, जनाब शाइस्ता ने तलागंग से मैसेज किया, कह रही है मिस यू सो 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 मच। अच्छा जी आपके बगैर बहुत अकेले हो गए थे हम लोग, ऐसा तो है, वैसे मुझे भी लग रहा था कि मैं जब प्रोग्राम नहीं करता, मैंने पीछे काफी प्रोग्राम जो है वो नहीं कर सका, तो मुझे भी ऐसे लग रहा था मैं थोड़ा सा अधूरापन है लाइफ में। अच्छा जी सिद्रा हया ने गुजरावाला से मैसेज किया, कह रही है लासानी मुजना इमसाल दनी नीलो को सलाम, प्यार भरा सलाम, ठीक है। अच्छा जी एक और मैसेज जो कि मैं यहाँ लाजमी शामिल करना चाहूंगा, एक बंदा है उस मुझे मैसेज करके बता रहा है भाईजन मैं शहाब अब्बासी हूँ, शादाब अब्बासी नहीं हूँ, शादाब अब्बासी एक और हैं जी, आप शहाब ही हैं, पहला जो मैंने मैसेज पढ़ा था वो शहाब का था। अच्छा जी तैयब मलिक है, उन्होंने एजे के प्लंदरी से मैसेज किया, कह रहे हैं शो अच्छा है शुक्रिया। अच्छा जी एक मैसेज है, स्पेशल मैसेज है, लिखा है जी मानी बेटा हमने आपके लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, शुक्र है आप वापस आ गए हो, आपको हमने बहुत मिस किया, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर सुमेरा सदीक अवान है जी रावलपिंडी से मैसेज कर रही है, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, खुश रहे हंसती रहे। आलिया ने सियालकोट कैंट से मैसेज किया, कह रही है सलाम मानी कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक शेरी कह दो मेरे लिए, ठीक है आज रात आधा घंटा शायरी होगी, टेंशन नहीं लेनी है।
जनाब मुझसे रबते का तीसरा नंबर जी 111-000-101 यानी 111-000-101 रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड और अगर पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है, ये आप मिलाएंगे 0092-511-111-001 मानी से रबते का नंबर। और आज बड़ा आसान सा टॉपिक नहीं है जी, आसान सा सवाल है, न्यू ईयर है तो दुआएं एक दूसरे के लिए देंगे, अच्छी अच्छी दुआएं देंगे एक दूसरे को। और जनाब एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि 2020 में ऐसा क्या अधूरा रह गया जो कि 2021 में आपने कंप्लीट करना है, यानी कि बहुत सारे काम होते हैं वो पूरे हो जाते हैं लेकिन कई काम हम लोग ने 2020 में शुरू किए और वो 2021 में उसको हमने पूरा करना है, तो वो क्या ऐसे काम है आपकी जिंदगी में जो कि अधूरे रह गए जो आपने पूरे करने हैं। कॉलेज है मुकिया दिल भी है दुखिया मैं ते सी रुकना टाइम ही रुकिया कॉलेज है मुकिया दिल भी है दुखिया मैं ते सी रुकना टाइम ही रुकिया ते जिन्हों फिकर सी बोता है ओ थे खलोता पे आज भी ओ सोचिए जेड़ा सोचता जरा भी नहीं सी वेखो वेखी अज देखो बन गया फौजी ए ते मापे जिन्ना दे सिर च उन नशियां दे विच मत उन्ना दी गई मारी ए ते जेड़े छड़ कार बार बस कर दे सी प्यार होई उन्ना ना भी माड़ी ए ते सी बन गए सुपर स्टार है लैली काली नाड़ी कार ते कम है गाने गुणे गाना ते हॉर्न आए हाय हॉर्न जनाब इस ट्रैक के फौरन बाद आपकी कॉल्स को एंटरटेन किया जाएगा। This is different.
जनाब 1111 मुझसे रब्ते का नंबर यानी कि 1100101 रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 0561 का एरिया कोड, और अगर पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। ये आप मिलाएंगे तो आपकी कॉल मुझ तक पहुंचेगी, वरना गिले 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 शिकवे पहुंच जाएंगे। तो जनाब चलते हैं जी आज के पहले कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? सानिया कोहाट से। मानी भाई शुक्र है आप आ गए। सानिया 2021 बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आपको भी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। नया साल चढ़ा तो मानी आएगा ना? जी जी, हम बहुत खुश हुए जब आपका ये मैसेज देखने के आप आ जाएंगे। हमारे तो पिछले कोई ठिकाना नहीं रही। मानी भाई जी बचा, तो अधूरी की बात, हमारा तो दिसंबर अधूरा रह गया क्योंकि आप नहीं थे। आपके शो हमने सुन नहीं पाए। चले मुझे ये बताए, क्या ऐसा ऐसी चीज अधूरी रह गई 2020 में जो 2021 में पूरी करनी है? तो ये दिसंबर थी ना है? दिसंबर अधूरी रह गई ना। अच्छा दिसंबर अधूरा रह गया, चले इस साल इसको पूरा करेंगे। ठीक है मानी भाई जी, मैं तो आपके गम में इतनी परेशान थी कि मेरी शक्ल बढ़ गई ना। बच्चा नहीं, बच्चा ऐसा नहीं करते, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे और आपका 2021 बहुत अच्छा गुजरे। मानी भाई जी जी, कोरोना फर्स्ट सीजन में जो मेरे सगे भाई को ये बीमारी हुई थी, मैं जितनी उसके लिए परेशान थी ना, बिल्कुल उसके दुगनी आपके लिए परेशान थी। यकीन करें अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया सानिया थी जी कोहाट से हमारे साथ। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। कौन का? क्यानी बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से। क्यानी साहब कैसे हैं आप जी? अल्लाह का एहसान है, पहले तो नया साल को मुबारक, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको सिद्ध अता फरमाई और आज आप हमारे साथ मुखातिब हैं हमसे। खैर मुबारक जी, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की दुआएं थी जी, जो मैं आराम सुकून से, वो कहते हैं ना कि उस मक्खन में से बाल की तरह निकल के वापस आ गया। बेशक जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और लाखों नहीं तो सैकड़ों की दुआएं आपके साथ ही, इसमें कोई शक नहीं है। और दुआओं का बड़ा असर होता है, ये हमने आपके सेहतयाबी की सूरत में भी हमें देख लिया। हमने ऐसे तो आपको भी महसूस हो गया होगा। क्या नहीं साहब, ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो दुआएं होती है ना, ये मुकद्दर तकदीर किस्मत भी बदल देती है। तो मुझे ये बताएं क्या नहीं साहब, 2020 में क्या ऐसा अधूरा रह गया जो 2021 में पूरा करने का आपने सोच लिया? इमरान, बात यह है कि 2020 जो है, खैर अल्लाह ताला की तरफ से है जो कुछ भी होता है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हमारा, पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं गया। कि हमारा तकरीबन 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है इस वबा से मुतासिर हुए, ऐसे ही। और तकरीबन 18 लाख से ज्यादा लोग जो अमवात हो गए, ऐसे ही। तो अच्छा तो नहीं था, लेकिन ये है कि देखिए, ये तल्ख बातें और तल्ख यादें और जो है नेगेटिव बातें और ये सब आपको भूलनी पड़ेंगी, और भूल जाए आप, ऐसे ही है, ऐसे ही है। भूल कर जब आप नया साल में आप कदम रख रहे हैं तो जस्ट एक हिंसा ही तब्दील होता है, लेकिन असल में आपने तब्दील होना है। वैसे तो उसी तरह सूरज तलू हुआ, उसी तरह गुरूब होगा, वही दिन है, वही रात है, लेकिन आपने थोड़ा सा अपना एक इरादा तब्दील करना है कि नए साल में हम कदम रखें, पिछली तमाम कोताहियां गलतियां और माफी तलाशी कर लें, जिनसे आप नाराज हैं उनको राजी कर लें, और एक नए अज़्म के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नई एनर्जी के साथ नए साल में कदम रखिए। और जो गलतियां होगी उन्हें रिपीट ना हो, जो जिनसे आप नाराज हैं उनको राजी कीजिए, और एक नए अज़्म के साथ। दूसरा ये मानी कि देखिए, पिछले साल में हमने अपने जो कितने लेजेंड हमारे, देखिए फिल्मी दुनिया से तलक रखने वाले लोग, सबिया बेगम, अमानुल्लाह खान, अमानुल्लाह और हमारी हीर फरदोस, और खुसूसन वो मेरा दोस्त देखती आंखों और सुनते कानों, तारिक अजीज साहब, तारिक अजीज साहब जी, बिल्कुल हमसे भी। तो ये सारी बातें हैं, हमारे साथ हैं,
लेकिन यह है कि आप नए साल को वेलकम कीजिए और नए इरादे के साथ आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया कैनी साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वो एक लाइन सुनी मैंने, हजरत अली का एक कॉल है कि मैंने अल्लाह को अपने बदलते इरादों से पहचाना। जब 2020 का आगाज हुआ ना, तो हर बंदे का था जी ये 2020 तो हमारा है और 2020 में हम छक्के ही मारेंगे। तो फिर बदलते इरादों से मैंने अल्लाह पहचान लिया कि हमने छक्के क्या, हम तो कमरों से नहीं निकल पाए। 2020 ऐसे ही चला गया जी, लेकिन 2021 जो है पुरअज़म इरादे के साथ हम 2021 में जो है वो कदम रखा है सब लोगों ने, और इंशाल्लाह 2021 जितने भी सुनने वाले हैं, नहीं सुनने वाले, सबका अल्लाह करे कि बहुत अच्छा गुजरे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मानी भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहां से? मानी भाई उस्मान कर रहा हूँ लंदन। उस्मान, क्या हाल है उस्मान? अल्हम्दुलिल्लाह मानी भाई, बहुत अच्छा लगा। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, 2021। थैंक यू मानी भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आपका जो मतलब कोविड का पॉजिटिव आया था, उसके लिए बहुत सारी विशेष थी आपके साथ, और आई एम ग्लैड कि आपकी सेहत बेहतर हो गई है और आप ये केस जीत गए हैं माशाल्लाह। आमीन। ऐसा ही है जी, है वो जिसने जिसने कोशिश की, जिसने हिम्मत की, वो निकल जाएगा। और मैं पहले लास्ट टाइम ही मैंने जब कोरोना का सीजन चल रहा था, तो उन दिनों में मैंने कुछ 6 महीने लगातार प्रोग्राम किए। उस्मान आप भी यकीनन उस ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। तो मैं हमेशा कहता था कि ये बड़ा ये जो कोरोना है, ये बीमारी है, पाकिस्तान में हम इसको मानते नहीं है या इसको समझ नहीं रहे। तो जैसे जैसे इसके जो मतलब मेरे जैसी जो उम्र का लड़का है, अगर उसको ऐसा झटका लगे तो वो तो शायद बर्दाश्त कर जाए, लेकिन जो बड़ी एज के लोग हैं वो शायद ना बर्दाश्त करें। अगर मैं ही 50 साल का होता तो शायद मैं भी बर्दाश्त ना कर पाता। जी मानी भाई, ये तो मतलब देखिए ना, एक तो माशाल्लाह आप ना रिकवर हो गए हैं, बहुत बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए भी। और सेकेंडली जो आपने बात की है, ये बिल्कुल मैं इसको सेकेंड ही करूंगा। जो इंग्लैंड का प्रॉब्लम चल रहा है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ही ये चल रहा है, यहाँ पे जो ओल्ड लोग हैं ना, मतलब बूढ़े लोग हैं, उनके नंबर ऑफ पीपल वो ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ के केसेस बहुत हाई है। तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पे यहाँ की जनरेशन जैसे हम, जी मैंने कहा वहाँ पे अभी भी सब कुछ बंद कर दिया गया है। मनी भाई जो लंदन है, मैं पर्टिकुलरली ये तो टेयर फोर में चल रहा है। टेयर फोर का मतलब ये है कि आप बाहर नहीं जा सकते विदाउट एनी रीजन। लेट्स से अगर आपका जॉब है या आपने कोई ग्रोसरी वगैरह करनी है, दैट्स द ओनली रीजन, ठीक है। और सेकेंडली ये कि आप मिक्स नहीं हो सकते, हमारे साथ वाले जो नेबर हैं वो हमारे घर नहीं आ सकते, हम उनके घर नहीं जा सकते। तो मुझे ये बताए, फैमिली मेंबर्स हैं, 2020 में क्या अधूरा रह गया जो आप सोच रहे हो 2021 में पूरा करूंगा शादी के अलावा? नहीं मानी भाई, वो भी नहीं करना चाह रहा। अच्छा, शादी भी नहीं करना चाह रहा? बहुत मानी भाई, बहुत जो है ना क्रेडिट खराब हुआ है मानी भाई, नहीं कर सकता शादी में। ठीक हो गया मानी भाई, देखिए ऑन द सीरियस साइड, देखिए मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पिछला साल बहुत अच्छा गुजरा, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस वन गो विद द फ्लो, मुझे चीजें होती जाएंगी, आई बी ग्लैड, जो नहीं होंगी इट्स ओके। थैंक यू सो मच उस्मान, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। मेरा नाम इमरान अली मानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन कहां से? ये आवाज कोई देखी भाली लग रही है मुझे, बचपन से जब मैं छोटा सा होता था ना, तब से मैं सुनता हूँ ये आवाज। और मानी भाई, हाँ मैंने आपको विश नहीं किया। किस चीज का? नहीं, आप नहीं चाहती थी मैं ठीक होके आ जाऊँ? आपको 2021 बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। सबसे अच्छी न्यूज कल हमने आपकी कॉल सुनी, इतने परेशान थे उसके लिए, बस हाँ खुशी हुई कल के प्रोग्राम में। हाँ जी, न्यू ईयर पे मैम सदव की मेहरबानी है जी, उन्होंने हमें भी साथ लिया। अच्छा तो मुझे ये बताओ 2020 में क्या अधूरा रह गया जो 2021 में पूरा करोगी? अगर यही है ना अधूरे, तो इस साल भी सोना ही है। सोना ही है? कौन सा सोना? वो जो महंगा हो, पिछले साल मैंने जॉब करनी थी तो वो फिर मेरे नहीं करने दी, लेकिन इस साल इंशाल्लाह। किसे दफ्तर दी तबाही कटने वाली सी, शुक्र है अल्लाह अल्लाह बंद करके कार ही रखी है, तू कार रहा है। थैंक यू सो मच साहिबा, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, हमने अब घर में टिक के बैठना है, कहीं नहीं जाना। बेफिक्र हो जाए, मैं इधर ही टेंट लगा रहा हूँ, मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है? यानी भाई को कहने आपको बल्टों से बांध के रखे कुर्सी के साथ। बेफिक्र हो जाओ, थैंक यू सो मच। ये थी जी साहिबा हमारे साथ रावलपिंडी से। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। मेरा नाम मानी है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? आपके अब्बासी बात करूँ। बारकात जनाब, अब्बासी साहब की हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है भाई, बहुत खुशी हो रही है आपकी आवाज़ सुन के आज, बड़े तवील अरसे के बाद। बस ऐसे ही है, मुझे भी लग रहा है काफी अरसे के बाद। अभी तक गरारिया मेरी ठीक नहीं हुई है वैसे। नहीं बताओ देंगे तो मैं बहुत मिस किया, बहुत दुआएं की आपके लिए, सब तमाम आज से आपका काम के बारे में पूछते रहे, माशाल्लाह। मुझे ये बताइए, एक तो पहले आपको 2021 बहुत बहुत मुबारक हो, नया साल चढ़ा है जी, आपके लिए भी मुबारक हो, बल्कि सभी सुनने वालों के लिए मुबारक हो। शुक्रिया, इस पे तो मैं चलो बात करूंगा थोड़ी सी। चलो, और इसके अलावा कोई पूछना चाहें आप? आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से चांद का फासला कितना है? फासला अच्छा ठीक होगा, नहीं ये पिछली साइड से अगर मैं निकलूं तो पहुंच जाऊंगा। पहुंच जाएंगे बिल्कुल, देखे ना भाई, ये भाई का चांद भी इधर ही है, कहीं पास ही मोहल्ले में चांद रखा हुआ है। अच्छा, तो ये नए साल की मुबारक तो ठीक है, शुक्रिया आपका, लेकिन ये नया साल हमारा तो ये पहली बार हमको शुरू हो गया था, उसको 3 महीने गुजर गए। चले कैलेंडर, नया कैलेंडर मुबारक हो आपको, ठीक है? ये ठीक है ऐसे ही बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, आपके दूसरे पार्टनर भी आ गए सलमान, इंशाल्लाह ये जोड़ी खूब जमेंगी आप। चले बहुत शुक्रिया। क्या फिर क्या इरादे हैं 2021 में, 2020 में क्या अधूरा छोड़ दिया? अधूरा तो कोई नहीं, इस काम को आठ डाला मुकम्मल किया, इंशाल्लाह 21 में भी बेहतर होगा। बस वॉइस ऑफ द ईयर अधूरा रह गया आपका, वो तो 21 में ही सर हम करेंगे, 21 में करेंगे 20 का क्योंकि मैं आ नहीं सका, इसलिए मैं कर नहीं सका, तो ये अधूरा रह गया, वो सारे इनामात मौजूद है। और अगला प्रोग्राम जो होगा मेरा गेम शो, वो वही होगा, ठीक है? कल वाला जो नेक्स्ट शो होगा मेरा, मतलब वेनसडे वाला, उस पे हम करेंगे। अच्छा कल वाला नहीं होगा, ठीक है। कल तो काफी अरसे के बाद वापसी हो रही है जी मेरी, और 101 इंटरनेशनल में तो हो गई, लेकिन 10 से 12 शब गप कल आप मेरा सुनेंगे, तो उसमें फिर आप लोगों से गप लगेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मुजना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मुजना ने रावलपिंडी से कॉल ही कर लिया। मुजना कैसी हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक प्यारा, वैसे ही। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताओ, तुम्हें एक तो पहले तो तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। क्या खोया क्या पाया पिछले साल, क्या अधूरा छोड़ के आ गई? ऐसे तो कुछ भी नहीं खोया ना ही अधूरा छोड़ा। हाँ वो जो यूनिवर्सिटी अधूरी छोड़ी ना, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस ऑन कैंपस नहीं हुई। बस आदत डाल ले, मैंने कहा आदत डाल ले, आने वाले वक्त की यूनिवर्सिटी ऐसी है। ये हमने मजे कर ली है ऐसी यूनिवर्सिटियों के, जो आप लोग नहीं कर सकते, घर में बैठ के पढ़ेंगे आप लोग। लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, और मेरी सब फ्रेंड्स को सलाम। नाम भी ले लो बेशक, कोई मसला नहीं है, खुल के दो सलाम सबको। ये जो आखिर में भूली है ना, ये जो आखिर में नाम भूली है, इनको ये सही दोस्त नहीं मानती है, याद रखना। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मुजना दीजिए हमारे साथ, नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। मेरा नाम मानी है, अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैंने किसी की मानी नहीं आज तक। हेलो वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? हनी भाई मैं आयशा झेलम से, मैं बहुत खुशी हो रही है आपके लिए, बहुत सारी दुआएं की, हर नमाज में दुआ करते थे, और जब पता चला भाई हम बहुत रोए थे। आयशा बहुत शुक्रिया आपका, हैप्पी न्यू ईयर आपको, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, और आपको अल्लाह सेहत दे, आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आई है नया साल, आपकी जगह मानी भाई कोई नहीं ले सकता, आप बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये बताओ कि 2020 में क्या अधूरा छोड़ दिया, 2020 के छक्के नहीं लगे, तो 2021 में क्या करोगी? कुछ ऐसा बता नहीं सकती। एक कुड़ी शादी करने से चकराई लग रही है, मैनू कह रही है मैं दस नहीं सकती। भाई है ना, भाई बहनों की बातें समझ जाते। ठीक हो गया, मैं समझ गया। तो देखो देखो आप दुआ कीजिए, तो बस बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। तो भाई मेरी कॉल कभी कभी मिलती है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आप बातें करते हैं ना सही पता लगता है कि खालिस बंदा है, और
जब आप बीमार हुए आपकी रिपोर्ट पता चली तो बहुत दुख हुआ था, हम लोग ने बहुत दुआएं की। आप लोगों की दुआओं की वजह से आज मैं दोबारा यहाँ पे मौजूद हूँ। 2021 हम लोग पूरी उम्मीद थे कि आप जल्दी से ठीक होके हमारे साथ होंगे। ऐसे ही मेरा ख्याल है, अगर जो सुनने वाले हैं 2019 में लास्ट महीने में मैं वापसी हुई थी मेरी, और मैंने पहला प्रोग्राम आके जो था वो सेकंड को ही किया था सुबह के टाइम 1-1 इंटरनेशनल। सो ऐसे ही 2000 पता है भाई, जी अब बहनों की दुआएं कभी भी अल्लाह रात नहीं करता। हमने अपने भाई के लिए बहुत सारी दुआएं की, जीती रहो, उसको सलाम, आपके लिए बेस्ट विशेस। बहुत शुक्रिया आयशा जी हमारे साथ झेलम से। आयशा बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, ज्यादा मैक्सिमम कॉलर्स को साथ शामिल करने की कोशिश करेंगे ताकि गपशप लग सके, काफी अरसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? निक्का वासी फैमिली। निक्के ओ की हाल कर लिया निक्के? मैं ठीक ठाक भाई, आप अपना बताएं आपने क्या हाल कर लिया? मैं बिल्कुल ठीक हो गया, वापस आ गया हूँ मैं उस वो चक्कर व्यू से गुजर गया। आप कौन से ऐसे चक्कर व्यू में है? कौन से चक्कर से गुजर गए? बस जो मुश्किल चक्कर था लाइफ का उससे गुजर गया मैं। अब आप लोग एहतियात करें। जी बिल्कुल अरमानी भी, पहले तो शेर पढ़ूंगा आपके लिए। पढ़े। ये जो हम तुम पर जान देते हैं, इश्क है जिस पे हम मान देते हैं, लव तो कोई इमरान अली मानी जैसा, हम तुम्हें सारा जहान देते हैं। आए, लोशे। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। मेरे भी सुने, आपको लव यू नहीं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे मेरे बच्चे नहीं होते, वो मेरी शादी नहीं होती। अच्छा हमारी भी सलाम देने दो। जी जी, बैस सदाम भाई को और बिलाल भाई को, अन्नू और अनमोल और जरलीफ मिशाल और सभी सुनने वालों को, यार कितने इतने बंधु ने बोला है। अच्छा, वैसे एक बात है निके, मैंने ये सवाल तुमसे इसलिए नहीं किया, इसका जवाब मुझे खुद ही पता था। मैंने पूछ रहा था क्या अधूरा रह गया, क्या पूरा करोगे, कहना मानी भाई हर साल किताबें ही अधूरी रह जाती है, वही नहीं पढ़ता मैं। अगले सच्ची बात है, और आपके शौक थोड़े से अधूरे रह गए थे। हाँ, लेकिन इस दफा कसर निकाल लेते हैं, बेफिक्र हो, जनवरी के महीने में स्टडी की वजह से मैंने अधूरे छोड़ दिए थे, देख ले। जी जी हाँ, और थैंक यू, आप वापस आ गए यार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जीते रहो, हंसते रहो। ये थे जी निक्का अब्बासी, ये निक्का अब्बासी जो है कभी बड़ा नहीं होगा, हमेशा हमारे लिए निक्का। थैंक यू सो मच, निक्का ही रहेगा हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी आवाज़ बड़ी दूर से आ रही है, बिल्कुल कम आ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? नजी, क्या हाल है नजी? अल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। 2021 बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। सो क्या अधूरा रह गया? आवाज कम आ रही है। मैंने कहा कि मैं अपना रेडियो, मतलब रेडियो करियर स्टार्ट करना चाह रहा था, अनफॉर्चुनेटली कुछ कोरोना की वजह से और कुछ अपनी गलतियों की वजह से हम नहीं स्टार्ट कर सकते, और इंशाल्लाह वो जो कौन 2020 में था पोटेंशियल अलग थी। ये चीज मेरे हबीब, हिम्मत नहीं हार रही, एक दिन बहुत अच्छे आरजे बनोगे। बिल्कुल, मुझे ये गुड न्यूज है कि मुझे नेक्स्ट वीक 1-1 से माशाल्लाह ये साडा ही बेड़ा गर्क करेगा जे। ठीक हो, किसने कॉल की हो भाई, तुसी अन्ने हो, किन्ने कॉल की थी, बंदा दसो मेनू। नहीं नहीं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मेरी हेल्प की जरूरत ही तो बताना, अगर रख ले तो निकलवाना हुआ तो मुझे बताना। नहीं अभी मैंने सिफारिश कर दी, वो तुम्हें ऑडिशन के लिए नहीं बुलाएंगे। चलो ठीक है जी, लास्ट देखते हैं। ओके जी, लास्ट। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो लास्ट भी बताना मुझे, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? माने भाई, मैं जैन फ्रॉम फैसलाबाद। वो जैन की हाल कर ले पुत्र, ठीक है? मैं ठीक बिल्कुल माने भाई, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, शुक्रिया। जैन कैसा गुजरा 2020? माने भाई बस ना ही पूछे। कितनी बारी कोट पे ही 2020? तेरे वास्ते एक्स्ट्रा सवाल है मेरे को, कितनी बारी मार खादी 2020? जैन, ओ जैन, जैन मेरा ख्याल है पढ़ना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मानी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र, कौन कहां से? मैं यास्मीन बात कर रही हूँ कराची से। यास्मीन कराची से, कैसी हैं आप, कैरियर से? आप बताइए पहले आपकी तबीयत कैसी, हमने तो आपके लिए बहुत दुआएं मांगी।
जी अल्लाह का शुक्र है जी, अब बहुत बेहतर हूँ, ठीक हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ आज। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको आबाद रखे, खुश रखे, जाओ और सेहत के साथ। आप वन वन की रौनक है, अगर आप नहीं तो लगता है कि वाकई है वन वन, सुनने में मजा ही नहीं आता। गाने तो सुनते रहते हैं मगर एक बात बताऊँ आपको, जी जी गाने सुनते रहते हैं मगर आप लोगों की बातों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ मिलता है। एक ईशान है, ईशान नासिर है, और एक वो है हसनैन। मैं तीन से ज्यादा किसी की भी सुनती नहीं हूँ, मतलब बातें जो हैं मुझे सिर्फ बातें अच्छी लगती हैं आप लोगों की। मैं गाने वाने पसंद नहीं करती इतने, मगर गाने गाना अच्छा लगता है, मगर गाने तो पसंद नहीं आते मुझे। क्या बात है, जबरदस्त छा गई हैं आप तो। अच्छा तो मुझे ये बताइए क्या क्या अधूरा रह गया 2020 में जो 2021 में पूरा करेंगी आप? 2020 तो था ही किसी काम का नहीं, बेकार साल था। अच्छा बेकार था, ऐसा 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 कैसे हो गया कि बेकार कर दिया आपने उसको 2020 में? बड़ा नहीं तो क्या, सब लोगों को ले गया अपने साथ वो लपेट कर। हाँ आगे भी एक भाई ने ये जिक्र किया, मुझे बिल्कुल उनकी बात से मैं इत्तफाक कर रहा था कि बहुत सारी दुनिया के लिए 2020 जो था वो अच्छा नहीं था, बल्कि करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके जो कि इस वबा का शिकार हुए। और मैं पता है दुआ क्या करती हूँ, दुआ करती हूँ कि खुदा पाक जिन लोगों ने रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी की उन्हें, और जो औरतों और बच्चों की बेहुरमती करते हैं उनको इनके पेट में डालकर इस बीमारी को खत्म कर दे। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ये जी यास्मीन थी कराची से हमारे साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप। जनाब यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक और फिर होगी वापसी आप लोगों की कॉल्स के साथ। ट्रैक कॉल्ड क्यूट जे लुक तेरी सोनी है। क्यूट जे लुक तेरी सोनी है, कब्र नु नित रोज मार दी, तक तेनु अख मर जानी है, होंदी है ब्लिंक मेरी कार दी। क्यूट जे लुक तेरी सोनी है, कब्र नु नित रोज मार दी, तक तेनु अख मर जानी है, होंदी है ब्लिंक मेरी कार दी। आजा बिल्लो बैजा कुछ सुन कुछ कह जा, आजा बिल्लो बैजा कुछ सुन कुछ कह जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, गल दस दांगे साडे प्यार दी। क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है, गब्बरू नू नित रोज मार दी, तक तेनू अख मर जानी है, होंदी है ब्लिंक मेरी कार दी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? ताकि मल्टीपल इस्लाम से जी। कौन बात कर रहे हैं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? चंदा फ्रॉम लाहौर। क्या हाल है आपके? ठीक आप सुनाइए। कहते हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत शुक्रिया। क्या अधूरा रह गया 2020 में लड़की? आपके जो शो अधूरे रह गए ना वो पूरे कर देना। बस इस दफा कसर निकाल के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है और बड़ा गोश्त नहीं खाना है, पानी ठंडे ग्लास का पी के सो जाओ। ठीक है अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम मनी भाई की हाल है? मैं ठीक ठाक जी अल्लाह का शुक्र। कौन किथू? तला गंग सु अवान माड़े भरा फोन किया। बाबा जी के गल है, आज तो छा गए तुसी है। अल्लाह का शुक्र है जी आप आ गए हैं, अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी है और नया साल आपको मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों की दुआओं की वजह से आज दोबारा यहाँ बैठा हूँ और मैं इस बात को हकीकतन मानता हूँ। जितने पैगामात आप लोगों के पहुँचे, मैं आगे भी जिक्र कर रहा था कि मैं जवाब नहीं दे पाया सबको। मैं कोशिश भी करता तो शायद मैं जवाब ना दे पाता, वैसे तो कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन जो हजारा हाँ मैसेजेस आप लोगों के पहुँचे, जो जहाँ जहाँ पे जिसने जिस इलाके से भी मुझे मैसेज किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। इवन अब्रॉड से बहुत ज्यादा मैसेजेस आए आप सबका। आपको
आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, जीते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। मेरा नाम मानी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मानी भाई, हारिस गुलरेज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर बहुत बहुत। हारिस, आपको मेरी तरफ से भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। सो क्या क्या बहुत अच्छा लग रहा है मानी भाई आपको आज, सबसे पहले तो काफी दिनों बाद वन वन पे देख के और काफी उदास हो गए थे हम, लेकिन आज आपको वापस शो करते देख के और एनर्जेटिक देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह जीते रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, गेट वेल सून। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अब हम जरा टॉपिक जो है ना उसको खत्म कर देते हैं, ताकि लंबी कॉल्स हो रही हैं, छोटी छोटी कॉल्स लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो के प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो के बात करना चाहते हैं, तो सबको चांस देते हैं। तो जनाब, नए साल के हवाले से कोई भी पैगाम हो, कोई भी बात हो, कोई भी आपने अजम किया है, वो आप मुझे बताएंगे जी। 1111001 यानी 1110101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। रात का जनाब 12:55, मेरा आपका साथ रहेगा पूरे 2 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? ये आमिर बोल रहा हूँ, कलर हजदा से। आमिर, क्या हाल है आपको? नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, तो क्या इरादे किए हैं 2021 के लिए? 2021 में इंशाल्लाह नमाज़ें पढ़ी। आए हाय हाय, अल्लाह जुबान कबूल करे इंशाल्लाह। नहीं नहीं, कोशिश यही वो कहते हैं ना कि लगे रहो, जुड़े रहो, मिल जाएगा। अगर आपने नियत की है तो अल्लाह रास्ता निकाल देगा। मानी भाई, मैंने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आमिर थे जी हमारे साथ, और मैंने कहा ना छोटी छोटी कॉल्स होंगी, सिर्फ हम नए साल की मुबारकबाद एक दूसरे को देते हैं, ताकि ज्यादा लोग शामिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मानी भाई जी, कौन कहाँ से? दीबा रवात से बात कर रही हूं। दीबा ने रवात से कॉल की है। दीबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट टाइम आपका शो सुना है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दीपा, आपको मेरी तरफ से नया साल मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक, तो क्या इरादे हैं 2021 में, क्या करने वाली हो? शादी करनी। शादी करनी, मेरे वाले इरादे करके बैठी हुए। ठीक हो गया, बिल्कुल। इस साल ना, इस साल थैंक यू सो मच दीपा, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह जी, इस साल जो है ना वो बच्चा पार्टी को अपनी भाभी मिल जाएगी। ये मैं जुबान दे रहा हूँ आपको, हर साल ही देता हूँ, लेकिन इस साल जुबान दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? सदाम अब्बासी इस्लामाबाद से। मानी भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सदाम, पहले तो नया साल मुबारक हो। मानी भाई आपको हैप्पी न्यू ईयर, और थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह का एहसान है कि आप बिल्कुल सेहतयाब होकर वापस आ गए, और आज साल का पहला दिन है और हमारे लिए खुशी की कोई इंतहा नहीं है, और हम इमरानियंस के लिए आज का जो दिन है वो ईद से भी कम नहीं है। तो भी वेरी अनस्ट मानी भाई, सब लोगों ने आपके लिए बहुत सी दुआएं की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सेहतयाब होकर वापस आ गए। ऐसे ही बहुत शुक्रिया, मैं इस चीज को मानता हूँ, और जितने भी इमरानियंस मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, इमरानियंस तो मानी का लव है ना सारे के सारे। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और वो जिनको मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सका उनसे मैं माजरत भी चाहता हूँ, कि इतने मैसेजेस थे कि मैं अगर चाहता भी तो नहीं कर सकता था। बिल्कुल ऐसे है मानी भाई, आप कैसे रिप्लाई करें, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा हम भी कैसे बताएं, हमें भी नहीं पता था कि आप कैसे, थोड़ा बहुत पता चल ही जाता था, यकीन जाने के मतलब नहीं बता पा रहे थे, और बार बार ये पूछ रहे थे यार आप रेगुलर कॉलर हैं, आपको पता होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप आ गए हैं, सबको मतलब इंतहा की खुशी है, वर्ड्स में जो है एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा कि कितनी ज्यादा खुशी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो मुझे ये बताओ 2021 के क्या इरादे हैं? मानी भाई बस यही कोशिश होगी, जो 2020 में खोया या जो गलतियां की हैं वो सन 2021 में ना
और अच्छे से गुजारे इंशाल्लाह आपके साथ। चलें, बहुत शुक्रिया। ये थे जी सदाम अब्बासी। मानी भाई सुने जी जी, बहुत से लोगों ने मतलब नाम तो मैं नहीं ले सकता, बहुत से लोगों ने आपको सलाम बोला है और आप उनको सलाम बोल दें और ये सबको बता दें कि आप वापस आ गए और हम इमरानियन का लव है आप। बिल्कुल जी, इमरानियन का तो लव हुई हूँ और मैं वापस आ चुका हूँ। आप सभी लोगों को जिन्होंने सलाम भेजा, वालेकुम सलाम, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कौन कहाँ से? मिसबा बात कर रही हूँ हरिपुर से। कैसे हैं मानी भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिसबा, आप ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या इरादे हैं 2021 में, क्या करने वाली हूँ लड़की? 2021 में आरजे बनने वाली हूँ। आरजे बनने वाली है ये लड़की? बड़ी खतरनाक है ये तो, मारी सीट लेने के चक्कर में पड़ गई है भाई। जी बिल्कुल। अच्छा तो आपको लगता है कि आप मुझसे अच्छा प्रोग्राम कर लेंगी? नहीं, आपसे अच्छा तो नहीं कर सकूंगी। इसका मतलब मेरी, इसका मतलब मेरी सीट जो है वो सेव है, टेंशन नहीं है। अच्छा, अच्छा तो इरादा आपका जो है वो नेक है, यानी कि आप आरजे बनने वाली 2021 में? हाँ जी बिल्कुल। चले 2021 के पहले दिन मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है आपको कि आप बनी जाए फिर है। हाँ जी। बस 1-1 से दूर रहिएगा, किसी कोने में ना आइएगा, बाकी खैर है। अच्छा मानी भाई, सब सुनने वाले को सलाम कहूंगी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगे आप आए हैं और आप ऐसे ही आते रहे और हमारे लिए शो करते रहे। मिसबा जीती रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। अल्लाह हाफिज। मिसबा का इरादा है जी इस दफा आरजे बनने का 2021 में। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, एक ही बनना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? कासिम अली गुलशान से। कासिम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कासिम, पहले तो आपको नया साल मुबारक। खैर मुबारक सर, आपको भी खैर मुबारक। तो 2021 में कौन से सख्त इरादे किए हैं कि ये करना ही करना है? बस जो 2020 में लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सकता वो इस बार करने तो मूड है। मतलब इस दफा 2021 में, वैसे तो 2020 में सारे के सारे लोग डीएक्टिव ही थे, मतलब ऐसे लग रहा था कि सोने का साल आ गया है। वो सोना होता है ना, एक सोना होता है वो जो महंगा होता जा रहा है, एक सोना होता है जो सस्ता होता जा रहा है। इस दफा सोने वाला सोना जो था वो सस्ता हो गया। हाँ जी बस इसी तरह। ऐसे ही है। हाँ जी ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर बस ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो कासिम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मोहम्मद अफसर बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अफसर, एड्डा तू अफसर है मोहम्मद अफसर, की हाल कर लिया मुंडिया? अल्लाह का बहुत शुक्र है मानी भाई, और शुक्र है अल्लाह पाक की आप भी आ गए, बहुत बहुत कुछ कमी थी आपके नाम में। बस तुम्हारी दुआओं से वापस आया हूँ। और यकीन जाने कि जब लास्ट शो आप आधा छोड़ के गए थे, उसके बाद अभी जो है वो FM जो है ना ऑन किया है, पता चला है कि आप आ रहे हो। तो अल्लाह खुश रखे। पहले तो तुम्हें नया साल मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मानी भाई, आपको भी नया साल मुबारक हो, और अल्लाह पाक से ये दुआ है कि ये साल हमारे लिए खुशियों को बायस बने, ना कि 2020 की तरह। तो 2021 में कौन से नए इरादे किए हैं, क्या करने का इरादा? इंशाल्लाह शादी करूंगा। शादी करूंगा 2021, शादियां तो साल हो गया। क्योंकि इस साल अगर शादी ना की तो घर वाले ने गार नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस साल में सबको भाभी ना दी तो मेनू लगता है अगले साल मेनू लोग आवन ही नहीं देना थे। नहीं इंशाल्लाह इस साल आपकी भी होगी और गरीब आते फिर आपके साथ फैमिली की भी होगी। हाँ जी, मुझे लग रहा है इस साल पे इमरानियंस की बड़ी शादियाँ होने वाली है 2021 में। और मानी भाई ये कहना चाहता हूँ कि अब साल चेंज हुआ है लेकिन कोरोना वहीं पर ही। वैसे 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 एक बात है, इसकी शादी जो है ना 50% जो है ना वो पक्की हो चुकी है, बस 50% मसला है जी, यानी कि ये तो राजी है, बस लड़की वाले राजी नहीं है, बस यही मसला है। लड़की वाला मिल जाए तो 50% लड़की मिल जाए, बस लड़की वाले ना मिले। हाँ लड़की वाले ना मिले हैं, ये बड़ा शदीद कंजूस आदमी है, दूर रहो इधर तू है। अल्लाह माफ करे भाई, मतलब आप ही चाहते कि आपको भाभी मिले। नहीं नहीं मिले भाभी, मैं कह रहा हूँ घर की रोटी खाने को मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मानी भाई बात सुनिए जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साल चेंज हुआ है, ठीक है, कोरोना चेंज नहीं हुआ, इसलिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और SOPs का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।
अपनों का ख्याल रखें, और अगर आप अपनों का ख्याल रखेंगे तो तब भी खुशियाँ आएंगी। ऐसा ही है जी। दो इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये जो कोरोना है और आजकल हमें कैसे एहतियात करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। अभी जरा मैं इस तरफ आना नहीं चाह रहा, अभी मैं इससे हटा हूं, सो मेरा दिल नहीं कर रहा इसके बारे में बात करने को। मजीद कॉलर्स की जानिब जाएंगे और पूछेंगे जी आपका पिछला साल कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अच्छा, कैसे हैं? अच्छा तो किसी को भी नहीं गुजरा। अच्छा जी, कौन कहाँ से? मैं लारेब ने रावलपिंडी से कॉल कर ली है। लारेब के लिए चाय लेके आना भाई जान, बगैर पत्ती के। पानी गर्म करो, बीच में चीनी डालो, पत्ती गर्म में डालेगी ये। मन भाई अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, आप ठीक हो गए। आप नीचे तो कसम से रात ही नहीं गुजर रही थी। हाय, अब रातें गुजरेंगी, जनवरी की रातें गुजारेंगे हम साथ, ठीक है। अच्छा तो मुझे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी मन भाई। खैर मुबारक जी, शुक्र है आपने मुझे भी मुबारकबाद दी है। अच्छा मैं तो सोच रहा था चुंगे च लभ गई मैनू है। अच्छा तो क्या इरादे, कौन से नेक इरादे किए 2021 में? आपकी शादी करवानी। ये पीछे से लुकमा कौन दे रहा है? ये परली साइड पे कौन बैठा है? मेरी कजन। अच्छा, इन्होंने मेरी शादी करवानी है, है? हाँ जी। इन्होंने कहो जो शादी ते पैसे लाने ने वैसे दे देन मैनू। ठीक हो गया। अच्छा माशाल्लाह, ये पीछे को लगता है मजमा ही बैठा हुआ है। बस मानी भाई बहुत इंतजार था कसम से आपका। चले इन सबको मेरी तरफ से सलाम है, जितने मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं, ठीक है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। मारा नाम माननी है जिसने किसी की नहीं माननी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई, कासिम अली जहां से। कासिम आप फिर से आ गए? हाँ जी सर, बस बताना था दे ये दो चीजें रह गई थी। जी जी हुक्म करें आप। अच्छा वो इस बार हो जाना वाह वाह अन्य वाह वो काफी टाइम हो गया तो नहीं सुना। आए एदे ते कुछ शेर आएगा तो फिर मैं कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहां से? मानी भाई का भी बात कर रहा हूँ कश्मीर से। क्या हाल है मेरे भाई, कश्मीर के मेरे भाई, कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नया साल मुबारक हो आपको। मुबारक, आपको मुबारक हो। खैर मुबारक, क्या करने वाले हो 2021 में, क्या इरादे कर लिए? यही बस शादी करनी है। वो सारे शादी पीछे पै गए हो तो अनु लवे मोला, मेरी ते हो जान दो। अच्छा मैंने इरादा किया, इधर भी इरादे हो गए, हुन मसला ही है। हुन मसला ही मसला। हाँ वो भाई जान वड्डे भरा दी हो लैन दो, फिर करियो ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? फिजाखान बात कर रही हूँ जहलम से। ओ फिजा खान, क्या हाल कर लिया आपने? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नया साल मुबारक हो आपको। मुबारक है, आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, 2021 के क्या इरादे कर लिए? शादी का ना करा खुदा का वास्ता। नहीं शादी नहीं है, जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार। जो गलतियाँ हुई हैं, शादी तो नहीं की थी तुसी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये भी बड़ी गलती होती है ना वैसे, इसको सुधारने का मौका नहीं मिलता बंदे को। भाई आपके लिए बहुत सी दुआएं की, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आमीन आमीन। अच्छा तो इरादे क्या थे वैसे, कौन सी गलतियां की है बताओ तो सही, हम कोई नहीं सुन रहा, सारे कान बंद करो जी, बताओ क्या गलतियां की? नहीं ऐसी जैसा कि किसी का दिल रुक गया और कोई नाराज हो गया या कुछ इस तरह का। अच्छा लोग जो है ना, लोगों का दिल दुखाते हैं, मैं लोगों के गाल दुखाता होता था, तो मैं भी बंदू से माफी मांगता हूँ। ठीक हो गया जी फिजा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप फिजा। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो भाईजान, मेरी आवाज एडी भैड़ी है, मेनू वापस आ रही है, किस तरह तुसी लोग बर्दाश्त करते हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? मैं अंजुम बात कर रहा हूँ पेशावर से। अंजुम नया साल मुबारक हो। अंजुम थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच। तो क्या इरादे हैं 2021 के? 2021 के इंशाल्लाह उम्रे पे जाने का प्लान है।
शुक्र है भाईजान, अल्लाह आपको मुबारक करे और आपकी जुबान मुबारक हो आप जाए। मैं सोचने लगा तो भाईजान कह रहे हैं मेरा जो है ना वो शादी पे जाने का इरादा। नहीं नहीं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अच्छा आप शादीशुदा है? जी जी माशाल्लाह। फिर पाएं तुसी उम्रे ती जाना है इंशाल्लाह। लास्ट ईयर भी फरवरी में गई थे और इंशाल्लाह इस साल भी अल्लाह करे हम चले जाए। वैसे तो भाभी को बताते हैं उम्रा या उम्रे पे जाते हैं? नहीं नहीं भाभी भी साथ गई थी। अच्छा भाभी भी साथ गई। अब्बू सब अच्छा, साथ गए थे। मेरे कई ऐसे दोस्त है ना घर में यही बताते हैं उम्रे पे जा रहे हैं, बाकू में मिलते हैं वो। नहीं 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 हम ऐसी बात नहीं है, हम गए थे। अच्छा सर आप बस मजाक कर रहा था आपके साथ। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, आपको इस्तेआत दे, आप जाए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह जरूर। और आपके लिए वो आ जाके ये दुआ भी करे कि आपकी शादी हो जाए। हाँ आप नहीं चाहते मैं सुखी रहूँ है? हम शादी करके भी बहुत सुखी। ये पठान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी चीजें होती है भाईजान, पंजाबी तुसी नहीं सोच सकते, साड़ी हालत बिगड़ी पड़ी है। नहीं, नहीं, नहीं जी नहीं, ऐसी पठान नहीं है। अच्छा हम इनको स्पीकिंग है। अच्छा इनको है आप, चले ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखे आप। थैंक यू जी। जनाब 101 इंटरनेशनल, मेरा नाम डीजे मानी और मेरे साथ मौजूद आप लोग है ताड़ी खैर, एक नवी कुड़ी आई जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मानी भाई, कैसे हैं आप? मैं वैसा ही पुराना खराब, ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी कॉल आई, अब मुझे लग रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा। मानी भाई दो दुआएं की हैं आपके लिए। बस आपकी दुआओं की वजह से वापस आ गए, वरना तो रस्ते में कहीं रुक जाता। मानी भाई हमारी जान निकली था। नाम तो बताओ। मेरा सुहावा से। सुहावा से, अच्छा तो आपको पहले तो नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक मानी भाई आपको भी। खैर मुबारक, 2021 में क्या करने का इरादा है? शादी जो चला तो मंजूर हुआ। शादी ना कह देना, खुदा दा वास्ते ही कुड़िए। और मानी भाई ठीक है ना आप? अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपको लग नहीं रहा वैसे मैं ठीक हूँ। मानी भाई कल आपकी कॉल सुनी थी ना, बहुत सीखी हुई है। अच्छा अच्छा मेरी कॉल सुनी थी, इसका मतलब आप एसएन का शो सुनती हैं? नहीं मानी भाई उन्होंने बताया था कि मानी भाई को फोन करना है इसलिए। चले ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। ये हिना जी मानी भाई आप अपना ख्याल रखना, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? हमें छुपा कर यहाँ फासलों की उलझन में, आए है। जमीन जरूर कहीं आसमां से मिलती है, आए है। जी जी तारिक खिलजी अर्ज कर रहा हूँ यार। तारिक खिलजी साहब कैसे हैं आप यार? आप मैं कहता हूँ छा गए आप, आपने आते साथ तारुफ ही अपना लफ्जों से करवाया। आपको नया साल मुबारक हो। जी हाँ आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक तो, और आप इतने नशे फराज से निकले, अल्लाह पाक आपको सेहत कामला अता फरमाए। आमीन आमीन। ये तो आते हैं जी हमें और ऊंचा उड़ाने के लिए, ऐसी चीजों से लड़ने के बाद बंदा और बहादुर हो जाता है और बंदे में जज्बा आ जाता है। आप वैसे हैं भी ब्रेव। बड़े बड़े से, बड़े से क्या मुराद है आपकी, एक्सप्लेन करें इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना बहादुर लड़के हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो 2021 के क्या इरादे हैं खिलजी साहब? यार वो मसला ये है कि सभी शादियां करा रहे हैं तो फिर मैं एक साल डिले कर देता। सर थोड़ी मेहरबानी। एक साल के बाद कोई साडा जिंदगी कोई साडा वीजा ना कटो, तुसी अपनी करनी अगले साल जाके, असी मान लिया 2021। जी 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच तारिक खिलजी साहब से जी। और जब भी आते हैं इनके अशार यकीनन 101 पे सारे लोग जो है इनको इनकी शायरी को बड़ा मजा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये लड़की ने छुप के कॉल की है घर वालों से है? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा नाम बताएंगे फिर? रबीता है। रबीता ये राबता के छोटी बहन है जी। रबीता पहले तो मैं आपको बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, आपको नया साल मुबारक हो। आपको भी। और मैं आपसे पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी कॉल बंद ना करें, मेरी बात पूरी नहीं होती कॉल बंद हो जाती है। अच्छा ये कौन करता है कॉल बंद? बंदा जरा मुझे मिलवाइए, मैं कान के नीचे दो लगाऊं, क्यों बंद करता है ये? और ये आप 2021 में तो मैं अगर आपको चाहिए था बताऊंगा तो मैं हालात देख के पता क्या दुआ ये करती हूँ कि अल्लाह ताला
आने वाले सब सबके माँ बाप को सलामत रखो। आमीन आमीन। इतना देख लिया तो मुझे डर लग लगे। लड़की रुलाओगी अब क्या, बच्चे की जान लोगी। क्योंकि भाई ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मतलब किसी के माँ बाप को तो मेरा तो गुनाह नहीं होता। ऐसे ही है बिल्कुल रबीता, आप ठीक कह रही हैं। इसी बात पे आपको तमगा इम्तियाज से नवाजा जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप। थैंक यू। ये वाकई तमगा इम्तियाज लेने ना आ जाए। ये रबीता दीजिए हमारे साथ। मेरा नाम मानी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। हारिस अगेन। हारिस अगेन क्यों आए आप? मेरी कॉल पहले काट गई थी। अच्छा कट गई थी, फिर बैलेंस पाया? फिर नहीं बैलेंस था, कॉल कट गई थी। अच्छा कॉल कट गई थी। कैंची लेके कौन बैठा होता है बीच में? क्या बताइए, तो आपको पता होगा। ये हमारे आजकल नए कोऑर्डिनेटर आए हैं, मेरा ख्याल है ये कैंची रखता है बीच में, इस मसला है। अच्छा तो मुझे ये बताओ, पहले तो आपको नया साल मुबारक। जी जी आपको भी मुबारक हो। और टॉपिक के वाले से ये कहूँगा कि कंट्री कंट्री में जो है वो डेली रूटीन और स्केजुअल जो था वो काफी स्टार से जो कि अधूरा रह गया, उसे अब 2021 में पूरा करने की कोशिश कर लो। क्योंकि 2020 में ड्यू टू कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज वगैरह भी बंद रही, तो जिसकी वजह से रूटीन जो है वो काफी खराब हुई हुई थी। अब उसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात ये कहूंगा कि 2021 में जो है बस खुश रखें, दूसरों को खुद भी खुश रहें। अच्छा वैसे 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 हर साल में ना आप लोगों को एक ही गिला होता था जी, इस साल छुट्टियां बड़ी कम आई हैं, इस साल छुट्टियां बड़ी कम आई हैं। 2020 तक कड़ाका ही निकल गया छुट्टियां था, छुट्टियां बेचारियां परेशान हो गया, ऐसी क्यों आ गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कहूंगा कि अपने अंदर जो वो चेंज लेकर आए और पॉजिटिव रहे। मतलब क्या क्या चेंज लेके आए, अपने पेच जो है वो चेंज करें, क्या मतलब क्या चेंजिंग करें अपने अंदर? मानी कोई बच्चे नहीं यही कह रहे हैं कि बस अपने इर्द गिर्द जो है वो सबका ख्याल रखें और जो है वो सबके साथ जो है वो खुशियां बांटते हैं और खुशियां समेटे और सबके साथ जो है वो पॉजिटिविटी शो करें। और आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं और बहुत सी बेस्ट विशेज। और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, आते रहें छाते रहें और शोज करते रहें। और शोज हमेशा की तरह आपका जबरदस्त लाजवाब और मजेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हारिस गुलरेज थे जी हमारे साथ, पता नहीं कितू रावलपिंडी तू। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। नहीं जी इनका दिल नहीं किया मुझसे बात करने को। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट। शुमाइला ने सियालकोट तो कॉल कर ली है। शुमाइला की हाल कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुमाइला। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। है मुबारक। आपको भी नया साल बहुत मुबारक हो, तमाम दोस्तों को भी बहुत मुबारक। आमीन आमीन। क्या इरादे कर लिए 2021 के? इरादा तो कोई नहीं किया, बस 2020 काफी अप एंड डाउन देखे। मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं रही तो वो ठीक नहीं आजकल। बस अल्लाह उन्हें सेहत दे जी, तो तंदुरुस्ती मिले। अल्लाह उन्हें सेहत दे, बहुत सारी दुआएं। और आपको तमाम दोस्तों को नया साल मुबारक और सबके लिए नया साल खैर बरकत का हो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया से। तमाम दोस्तों पाक आर्मी को सलाम। अल्लाह हाफिज। शुमाइला थी जी सियालकोट से हमारे साथ। मेरा नाम मानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मानी भाई, क्या हाल है? प्यारे हाल है, आप सुनाए क्या हाल है? ठीक ठाक। नाम बताएगा भाई हमको तुम्हारा, मुझे लग रहा है कुछ जुमा खान हफ्ता खान आया। नाम बताओ। साजिद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद। साजिद साजिद आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक। तो क्या इरादे किए 2021 में, क्या करने वाले हो? सर 2021 में शादी करूंगा। ये बंदा मेरा पता कटवाएगा जी। ओ भाईजान 2021 में बड़ी छोटी छोटी शादियां हैं, बस थोड़ी सी शादियां हैं, मैंने उसमें से एक मैं भी हूँ, इसलिए 2022 पे डालो भाई। अच्छा साजिद भाई। जी जी यार हम पे थोड़ा बहुत भाई, देखो छोटा भाई है हम पे थोड़ा बहुत तो रहम का होना यार। जी भाई यार देखो शर्माओ मत, हमारी बात का जवाब दो ना यार। मानी भाई दे रहे हैं जी। आई लव यू। I love you too, I love you. Thank you, man. जीते रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
मानी भाई, क्या हाल खरीत है? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? आसिफ मलिक बोलो, इस्लामाबाद से। मलिक आसिफ, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है यार, आप शुक्र है ठीक हो है, आप तो ऐसा के फूल हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मुझे ये बताएं, पहले तो आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2021 में क्या इरादे कर लिए आपने? आपको भी नया साल मुबारक हो। 2021 में मैंने तो सबसे पहले मेहरान कार लेनी है। अच्छा, दूसरा जनाब मैंने रोज रखने और तो उसके बाद त्रापियां पढ़नी है और इतकाम करना। बस यही काम करने है? यही काम। तो पैसे इकट्ठे कर लेने? पैसे आर्मी में माशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अच्छा, पैसे आ जाएंगे? नहीं, पाकिस्तान आर्मी में जॉब कर रहा हूँ ना, पैसे तो बहुत ज्यादा। ओए होए, पाकिस्तान आर्मी पैसे पैसे बाबा जी, पैसे पैसे। जी जी, ऐसे ही है, ठीक कर रहे हैं आप ले सकते हैं मेहरान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहे, हंसते रहे, आपको नया साल बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। या पाकिस्तान आर्मी से कॉल थी जी। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। नैनावान आ गई है जी, गुजरावाला से नैनावान। बड़ी पुरानी माशाल्लाह हमारे साथ की है ये, जब हम 1965 में रेडियो ज्वाइन किया मैंने तब भी आई थी। कैसी हैं आप? आपको नया साल बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। वैसे आप, मेरा ख्याल है आप साल तो नहीं गिनती होंगी ना, सांस गिनती होंगी। जो मर्जी कहे, मैंने रब से दुआ ये मांगी है कि ना तेरा उदास गुजरे, कोई रोक ना तुझे रास गुजरे, तू फूलों की तरह खिला करे, कोई शख्स ना तुझसे गिला करे, तू खुश रहे आबाद रहे, तेरे ख्वाब नगर आबाद रहे, तू जो चाहे वो हो जाए, तू जो मांगे वो मिल जाए। आमीन। नई जिंदगी, नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए नए साल अच्छी उम्मीदें, खुशियाँ, सलामतियाँ लेके आए। आमीन आमीन। नैनावान आप छा गई हैं, आप बादल निकली हैं, आप बादल निकली हैं, किसी साइड पे जाके बरस जाए। अल्लाह हाफिज। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं बानपुर से। ओए, मैं बेईमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। की हाल है कुड़िये? मैं ठीक हूँ, माने पर शुक्र कॉल मिल गई है। तो देख ले, फिर मिली कॉल बनाई है मैंने। किनिया इतनी ज्यादा? अच्छा, 20-25 मलाई है। एक कुड़ी सियालकोट ना एडवराले चुबी मार के आई है। अब क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल की मैं आपकी। बच्चा, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप मेरी फैन है। जीती रहो, हंसती रहो, आपको नया साल मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। 2021 में क्या करने वाली हो? अब तो इंशाल्लाह मेहनत करके, अब तो इंशाल्लाह मेहनत करके मैं अच्छा जॉब शुरू किया, उसने दिल लगा के मेहनत करूंगी और स्टडी में मेहनत करूंगी, क्योंकि पिछले साल मैंने इतनी मेहनत नहीं की। हाँ, पिछले साल बंदा सो के साल गुजार देता है। नहीं ऐसी भी बात नहीं है, बीजी बताओ। अच्छा, जागती भी थी बीच में जी? मैंने कहा सोते सोते कभी कभी नींद, मतलब आँख खुली भी है 2020 में? नहीं, ये बात नहीं। अच्छा, फिर कौन सी बात है बताओ ना। अच्छा मानी भाई, मैंने सबको नया साल मुबारक करना और मैं नाम लेना चाहूंगी नाम के लिए। ले ले ले, नाम जल्दी जल्दी लेने हैं। तानिया सदाम बाती, तानिया सदाम बाती, जोहा मरियम, अनिला पी और सदब, सब सबको इमरान मिर्च का सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, हंसती रहो। ये थी जी ईमान, सियालकोट से इसका ताल्लुक है, हेड मराला में चुबियां मारती है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? कोमल बात कर, लाहौर से। कोमल ने लाहौर से कॉल कर लिया। कोमल, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका, कैसी हैं आप? नया साल मुबारक हो। थैंक यू भाई, आप कैसे हैं? आपको भी नया साल मुबारक हो और सब सुनने वालों को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। तो क्या इरादे कर लिए आपने 2021 के? 2021 में 2020 में एग्जाम्स नहीं है, तो इस साल इंशाल्लाह एग्जाम्स देंगे और बहुत अच्छे देंगे। अच्छा, ये वो मेरा ख्याल है 1% लड़कियों में से है जो चाहती है कि एग्जाम हो जाए। जी, हम तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है, हम चाहते हैं कि ऑन साइट क्लासेस हो जाए। आजकल बच्चों के मुर्शिद जो है ना, वो शफकत महमूद साहब बने हुए हैं। नहीं नहीं, मैं तो पहले भी नहीं खुश थी, अब भी नहीं हूँ, घर बैठ के जितने अच्छी पढ़ाई हो जाती है कॉलेज में। जितने बच्चे जो है ना आजकल शफकत महमूद साहब को दुआएं देते हैं, शायद ही किसी ने दुआएं ली हो इतनी।
ऐसे ही है, चले कोमल थैंक यू सो मच, आपको नया साल मुबारक हो जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी, और नेक्स्ट कॉलर थे जी मिस्टर टू टू, ये जी मेरे बड़े रेगुलर कॉलर है, 10 साल से मेरे शो में कॉल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मिर्जा हावर साउथ अफ्रीका से। नाम दोबारा से बताएंगे? मिर्जा हावर साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से, कैसे हैं आप मिर्जा खावर? अल्लाह का शुक्र, आप मानी भाई ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र, आपको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी आपको भी, हैप्पी न्यू ईयर। तो कैसा रहा आपका साल, क्या इरादे कर लिए 2021 में? शादी तो नहीं कर रहे हैं ना? पाकिस्तान आने का इरादा है। पाकिस्तान बंदा बाहर से तभी आता है जब उसका शादी का इरादा होता है। इस बंदे नु भी मैं नहीं जानता। पायन तुसी एक काम करो, उत्थे रहो। अच्छा हाँ, ये भरा दी शादी हो लैन दो, मेहरबानी करो। अच्छा तो आपकी शादी? नहीं अभी तो वैसे इरादा किया है। अच्छा? ना ये मैं पूछ रहा हूँ कब तक शादी? बस कोशिश कर रहा हूँ जी हो ही जाए, मतलब 3 साल से हर साल इरादा करता हूँ, हर दफा ये बात भूल जाता हूँ मैं। तो प्रदेश 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 में कैसा गुजरा आपका आपका न्यू ईयर? इधर तो काम 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 और बस काम, मतलब उधर इंसान वाला कोई काम नहीं है, काम काम ही है सिर्फ। बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने उस दियारे गैर से मुझे कॉल की, बड़ी दूर से। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, साउथ अफ्रीका से थी जी हमारे साथ हमारे दोस्त, और इसी तरह मजीद कॉलर्स भी होंगे मेरे साथ। अभी 30 मिनट्स बाकी हैं, लेकिन मेरी अभी जो है ना वो हिम्मत जवाब देती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, थक गए हो ना, जरा कमजोरी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, कॉल मिल गई है, कॉल मिलने पे क्यों चुप कर जाते हैं आप, क्यों शर्माते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहां से? सवेरा रियाज मुल्तान से। मुल्तान से, क्या हाल है आपके, आपका नया साल आपको मुबारक हो। खैर मुबारक माने भी आपको रे। माने आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम सजाद भाई। माने भाई आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ। ऐसे खशाश बशाश हंसता खेलता वापस आए हो। माने भाई बहुत खुशी हुई है जब आप आए ना। बहुत खुश हुए। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो 2021 में क्या इरादे कर लिए? आपसे मिलने के। हैं? आपसे मिलने के। अच्छा मुझसे मिलने के इरादे कर लिए, ये इरादे भी अच्छे हैं, नेक इरादे हैं आपके। देखे मेरे जैसे बंदे से मिलने के बाद यकीनन आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। ऐसे ही है सजाद भाई, देख रहे हैं मेरी तरफ, गलत बंदा कह रहे हैं। अच्छा तो यही इरादे हैं बस, मुझसे मिलने के इरादे हैं। जी चले, अल्लाह आपके नेक इरादे पूरे करे। आमीन आमीन। खुश रहो जी। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, अभी 30 मिनट बाकी है जी। मेरा नाम मानी है, वैसे मैंने आज तक किसी की नहीं मानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मिर्जा खावर साउथ अफ्रीका से। मिर्जा खावर साहब फिर से आप आ गए, कैसे हैं आप? सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत देर के बाद आपका शो सुन रहा हूँ। तो मिर्जा साहब बाकी शोज कैसे लगे? अच्छा काफी अरसे बाद मेरा शो सुन रहे हैं, साथ ही गायब हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं लाइबन हूँ फैसलाबाद से, कैसे हैं आप? मैं प्यारा हूँ जी, आप सुनाए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा तो आपको नया साल मुबारक हो पहले तो। आपका खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आप जो भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं आपको दुगनी चुगनी करके मिले जिंदगी में और इस साल भी। अच्छा तो आपने क्या इरादा किया वैसे 2021 में, क्या करेंगी शादी के अलावा? शादी की बात कहाँ से आ गई? नहीं वो तो मैं अपनी मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। अच्छा हाँ, तो आपको मैं ना आपको इनवाइट करूंगा, फिर आप बिरयानी खा के जाइएगा, ठीक है? जी जरूर, आप इनवाइट तो करें। बस बेफिक्र हो जाए मेरे इनविटेशन पे ना, आप बस आज से भूखा रहना शुरू कर ले। अच्छा तो आपने क्या इरादे किए 2021 के?
जो टास्क पकड़ा है डॉक्टर बनने का वो इंशाल्लाह अच्छे से पूरा करूंगी और कुछ नाराज लोगों को मना लूंगी। छोड़ो नाराजगी, क्या कदम कोरोना से बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही है, ओ अल्लाह दे बंदे कोरोना को बच गए, फिर तो गले मिलो एक दूसरे दे। मैंने तो इरादा किया था, मैंने तो इरादा किया था सजाद खान साहब को गले मिल के बताने का। अच्छा, तो कोशिश करूंगी कि जितनी भी नेगेटिविटी है ना लाइफ में उसको दूर करूं और हर नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में चेंज करने की कोशिश करूं। अच्छा कैसे, मतलब कोई इसका फॉर्मूला है तो मुझे भी बता दो। सबर सबर और सबर, बड़ा औखा काम है, दुनिया का सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है वो सबर ही है, सबर ही तो नहीं होता। सुनो और चुप रहो, अगले बंदे की उसकी उसकी औकात में ही रहने दो। ऐसे बंदों से क्या, अब आप कूड़े से मुंह लगाकर अपने आप को डस्टबिन थोड़ी बनाना है। बात तो आपने ठीक की है, करोड़ रुपए की बात की है, 50 लाख आप रखे, 50 लाख मुझे दें और चली जाए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस्टर टूटू जी, कॉल्स का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वाली सामानी भाई, वंस अगेन उस्मान बात कर रहा हूं। उस्मान साहब, केड़ी गलती हो गई? मानी भाई, मैंने आपके लिए, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ जी, पूछे मैंने आपके लिए क्या कुर्बानी देनी है जी, पूछे। मानी भाई, मैंने दो का इरादा किया था, अब आपकी भरपूर काबिश की वजह से मैं एक अगले साल करूंगा, एक उससे अगले साल करूंगा। ओए माशाल्लाह, मेरा भरा खुश रहे, इन्हें दो शादियां का इरादा किया है। नहीं ये बड़े, एक आपके लिए कैंसिल कर रहा ना, क्योंकि वो लिमिटेड सीट है ना, तो ये ना वो आपकी रह जाए। हाँ, इसलिए मेरे भाई ने मेरे भाई ने कुर्बानी दे दी है जी, उन पावे तुझे सारे कर लो। एक मेरा भरा पहले निकल गया, उन्हें क्या पाए। नहीं 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 मानी भाई, नहीं मानी भाई, सुनने ना, सारी नहीं करनी, मैंने सबकी एड्रेस नोट कर ली है। जिस लिस्ट में राधा क्यों होता ना, सबकी मैंने शादियां रुकवा देनी है, सिर्फ आपकी होगी। बस ठीक हो गया, छा गए हो मेरे भाई, इस दफा यूके भी खुल जाएगा फिर। मानी भाई, फिर तो बस देख लेना, यहाँ पे सब कुछ खुलेगा। यूके बंद ही ताक रहा है, मेरी शादी होए। लेकिन मानी भाई, अगर वो साउथ अफ्रीका वाले भाई आ गए ना, फिर आपकी मुश्किल में पड़ जाएगी। नहीं सर, वो भी कोई एहो जी कम वेख के मैंने फोन करेंगे, आ जाओ पाए। जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इतनी दूर से कॉल करते हो हमेशा अच्छा लगता है। वैसे पाकिस्तान आके बगैर शादी किए चले गए हो, मुझे बात वैसे समझ नहीं आई। मानी भाई, आप सब समझते हैं। समझता हूँ, दोबारा मुझे बहुत जल्दी आना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूँ, मैं क्रेडिट बहुत खराब है। चले, थैंक यू, अपना ख्याल रखो, अपना थैंक यू उस्मान दे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? माया चौधरी, काम से। और चौधरी साहब, की हाल कर लेने? हाल बहुत बढ़िया, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, नया साल मुबारक हो। थैंक यू, अभी मैं सो गई थी, मैंने ऐसे कॉल मिलाई, कॉल मिल गई। देख ले फिर, आज तो छा गया सारे हैं। आपको मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। तो मुझे ये बताओ, 2021 के क्या इरादे हैं, क्या नेक इरादे करके बैठी हो लड़की? नेक इरादे तो मतलब अधूरे रह गए थे, पेपर देने हैं 30 इंशाल्लाह। ये मेरे पास ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कि पेपर्स के लिए ख्वाहिशमंद है। मतलब तुसी कौन लोग हो, तुसी कितू आंदे हो दुनिया से? उधर से ही आते हैं, जिधर से आते हैं। मन में बस पेपर तो देने हैं ना, क्या करें, मजबूरी है। ठीक हो गया माया चौधरी। बात सुने जी जी, नवाल फातिमा आपको सुन रही है, वो आपको सलाम बोल रही थी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अब मैं ठीक हूँ, बस दुआ करें ठीक रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थी जी माया के साथ चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैं आयशा, मेरी कॉल कट गई थी। आज भाई, आज बहुत अच्छा लग रहा, आज ईद से भी वाकई हमारे लिए बड़ा दिन है। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप हमारे जो है दिलों के करीब है, आप अवान अवान की रौनक है, आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच आयशा। और भाई जी जी, हम दोनों बहन भाइयों ने इरादा क्या किया, सब ने शादी का इरादा कर लिया, सब ने शादी का इरादा कर लिया। इस दफा इज्तिमाई शादी ना की जाए। इज्तिमाई शादी, एक की मौलवी, 15,000 सारे भुगत गए। किसी को बुलाना ना पड़े ना दो दफा। ऐसे ही है। नहीं नहीं और भाई,
हाँ जी बात करना चाहती हूँ आपको। ये हमारे जेलम के इलाके में ना सब लोग इस चीज को मजाक समझ रहे हैं, आप एंड पे बताइएगा, इस चीज को मजाक ना समझे सबके लिए, और आपने एहतियात क्या करनी चाहिए यार, ये सब थोड़ा बताइएगा ना तो सबके लिए, ये सब बहुत लोग मजाक समझते हैं। जी जरूर जरूर, थैंक यू सो मच आयशा। स्टेजेस भी होती है ये भी बताइएगा, क्योंकि मेरी फुप्पो को भी थोड़ा सा हुआ था, वो भी ठीक है अभी। ऐसा ही है जी, ये कोई एक ही दफा नहीं है, इसमें वेव टू भी है, अब तो लोगों को तीसरी दफा भी कोरोना जो है वो हो रहा है। मेरे करीब में जाने वाले बहुत सारे दोस्त हैं, हमारी एक दोस्त है यहाँ पे डॉक्टर है, उनको भी दो दफा कोरोना हुआ, यानी कि पहले भी हुआ, वो सर्व कर रही थी उस टाइम पे यहाँ पिम्स हॉस्पिटल में, उनको कोरोना हुआ, उसके बाद जब वो मजीद मतलब ठीक होकर जब वापस आई तो दोबारा जब उन्होंने जाके काम किया तो उनको वेव टू भी हिट की और वो दोबारा से बीमार हो गई, फिर भी कोरोना था और वो अभी तक उससे निकल नहीं पाई। ऐसे मेरे एक दो दोस्त और भी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। सो आप लोग एहतियात करें, ये कोई हवाई बातें नहीं है, कोरोना एक बीमारी है और ये बड़ी शदीद बीमारी है, आम जो बीमारियां हम लोग फेस करते हैं उनसे हट के बड़ी डिफरेंट है, और इसका झटका जो है वो आपको संभालने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, तो इसलिए एहतियात कर लीजिए, वो बड़ा बेहतर काम है। अगर ये हो जाएगा तो फिर आप लोग मतलब उस फेज से गुजरने के बाद तो आप वाकईतन खुद ही एहतियात करना शुरू कर देंगे, लेकिन अपने लिए एहतियात मत कीजिए, अपने घर में रहने वाले बच्चों के लिए कीजिए, अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों के लिए कीजिए, और आपके इर्द गिर्द जितने दोस्त अहबाब है और खास तौर पे वो लोग जो कि किसी बीमारी को कैरी करते हैं अपनी जिंदगी में, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, किसी ना सांस का मसला होता है, कुछ होता है, तो वो लोग बहुत एहतियात करें, क्योंकि इसमें सांस का बड़ा मसला आता है, यानी कि आप तो ठीक हो जाते हैं लेकिन सांस आपका काफी अरसे के बाद जाके ठीक होता है, कमजोरी हो जाती है आपको, और अगर आपको लगे कि आपके जिस्म के अंदर जो है वो ठंड लग रही है, आपको बार बार ठंड लग रही है, यानी कि एक तो ठंड होती है जो कि बाहर आपको लग रही है, एक होता है कि अंदर से ठंड उठना, तो ये उसकी एक अलामत है। अगर आपके अंदर से ठंड उठना शुरू होगी, आपको लग रहा है कि बाहर तो चले टेम्परेचर ठीक है लेकिन मुझे अंदर से ठंड लग रही है, तो जाके उसी टाइम अपना टेस्ट करवाइए और खुद को क्वारंटाइन कर लीजिए, ताकि बाकी जितने लोग हैं, आपके घर वाले हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बुजुर्ग हैं, वो सारे के सारे सेफ हो जाए और अकेले रह लीजिए उतने दिन, ताकि बाकियों की जिंदगी के साथ आप इंसाफ कर सकें। और एक एक तहकीक के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है जी, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि इस बीमारी से बच सके, सभी लोग एक एक दफा जो है इस बीमारी का शिकार होंगे और उसके बाद रिकवर कर जाएंगे। मेडिसिन भी आ गई है अब तो, माशाल्लाह बहुत सारी मेडिसिन भी मौजूद है जो कि कोरोना के लिए दी जा रही है, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन हल, बेहतरीन एहतियात जो हल है वो एहतियात है, कि आप जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी मत कीजिए, फासले पर रहिए, हर बंदे के साथ गले मत मिलिए, और क्या पता कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक दिखने में, अब देखें जब पाकिस्तानी टीम बाहर गई तो सारे के सारे टेस्ट जो थे वो नेगेटिव थे, लेकिन वहां जाके जब टेस्ट करवाए गए तो वो पॉजिटिव निकल आए, इवन के बाबर आजम जो थे वो बिल्कुल फिट थे, मतलब वो खेलने वाली पोजीशन में थे लेकिन उनका कोरोना जो था वो पॉजिटिव था। तो कई दफा कोरोना जो होता है वो अपने सिम्टम्स जो है जाहिर नहीं करता, तो हमें पता ही नहीं चलता, और मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो हमें अंदर से खाली कर देता है और बात बढ़ जाती है। सो इससे पहले कि बातें बढ़ जाए, SOPs का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए। आप सिर्फ अपने लिए एहतियात नहीं करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों के लिए एहतियात करते हैं। सो मैंने इस सारे एक्सपीरियंस से जो चीज़ सीखी है वो यही सीखी है कि अगर आप एहतियात कर लेंगे तो वो बहुत बेहतर है, वरना आपको भुगतना पड़ेगा। सो मेरा ख्याल है मजीद कॉलर्स की तरफ चलते हैं जी, ये कोई लेक्चर ज्यादा हो गया आज, मैं वैसे इस पे बात नहीं करना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से? मानी भाई, दोबारा से कॉल किया मैंने। कहां से कॉल की है? हाईवुड से। नाम बताएंगे? दोबारा कॉल की, मुझ पर बात कर रही हूँ। मानी भाई, आपसे एक बात पूछनी है। पूछ ले। आप कहते हैं कि शादी नहीं हो रही है, मतलब लड़की नहीं मिल रही है या घर वाले शादी नहीं करवा रहे हैं? नहीं, लड़की नहीं मिलती मैंने तो। हाय मानी भाई, आपको लड़की नहीं मिल रही है? देखो तुम्हारे भरा की किस्मत फिर है, तुम्हारे जी भैन सारिया तेल छड़ के अग ला देनी चाहिए। क्यों? लड़की नहीं मिल रही है? मैंने मतलब एक एक मैं इस दफा जरूर आपके लिए लड़की ढूंढेंगे। बस ठीक है जी, 2021 में मैंने जुबान कर दी है जी आप सबके साथ, 2021 में आपको भाभी देनी है इस दफा, मैं और को काम करूँ ना करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन कहाँ से? मैं फिजा खान बात कर रही हूँ। फिजा खान फिर से आ गई हैं आप जी? वही, आपके लिए बेस्ट विशेज बोलूंगी और शायरी आपके लिए न्यू ईयर के बारे में पढ़ूंगी जी। आ जाए, चले जी, अब जी शायरी करने वाले भी आ सकते हैं जी, अब तो मेरा ख्याल है पीछे 20 मिनट बाकी हैं,
लेकिन शायरी वाले आ जाए कुछ शेर को नए साल के हवाले से कुछ सुना के जाए, हम भी करें वाह वाह ते अन्ने वाह जी। रहे हिजर, रहे हिजर में या विशाल में, रहे हिजर में या विशाल में, तू रहे जैसे बिहाल में, आए हाय न लर्जिश आए कभी तेरी चाल में, मन सयब रहे हमेशा खुदा की डाल में, जो सभी हो आपके ख्याल में, वो सब कुछ मिले आपको इस नए साल में, आपके अपने सारे करीब हो और मोहब्बतें भी नसीब हो, जो रकीब है वो हबीब हो, जो रकीब है वो हबीब हो, वो अमीर हो, आमीन सुमामी। बहुत शुक्रिया फिजा, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज। जा साहब आप मेरा शो सुन रहे हैं तो जरा सामने नजर आइएगा मुझे। लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं, लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं, हट जाओ मुर्शिदो मानी आ रहे हैं, और हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा, हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा, वो सुनो शरीके ये अफवाह फैला रहे हैं, और ये तो आगाज है अभी वाह वाह भी होगी, ये तो आगाज है अभी वाह वाह भी होगी, हम तो धीरे धीरे बात बढ़ा रहे हैं, और पहले बेनाम थे फिर इश्क ने नाम दिया, पहले बेनाम थे फिर इश्क ने नाम दिया, अब लोग कहते हैं कि वो कलंदर जा रहे हैं, और हम भी शायर हैं हम पे गुजारा कीजिए, हम भी शायर हैं हम पे गुजारा कीजिए, अब मीर गालिब फैज फराज कहाँ आ रहे हैं। सुन सजना वे दिल दी आवाज़। एक नए कलाम से जनाब कोई तीन एक शेर आपको सुनाते हैं, गजलें बड़ी लिखी, नज़में बड़ी लिखी, इस बीमारी में हमने कलाम भी लिखना शुरू कर दिया। देखा ना जिंदगी में इंसान जब बड़ी चीजों से मुकाबला करता है तो बड़ी चीजें सीखता है, सो ऐसा ही हुआ इस दफा। वो है कि ना बंदिया तेरी औकात है ना तेरे बस की बात है, ना बंदिया तेरी औकात है ना तेरे बस की बात है, ये जो सब चला रहा है ना ये मेरे अल्लाह की जात है, और ये जो फैला है कूबकू, ये जो फैला है कूबकू, ये उनका शुगल मेला है, वो जो जरे जरे को याद है वो मेरे अल्लाह की जात है, और मस्जिद में मंदिर में कभी चर्चों में ढूंढा, और सुनो शारक के जो पास है वो मेरे अल्लाह की जात है। आओ के तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, आओ के तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, आओ के छोटी बहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं मैं, और वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं, वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं, आओ तुम्हें लफ्जों में बुनकर शेर कोई कह जाऊं मैं, और प्यार मोहब्बत इश्क जुनून सब नाम तुम्हारे ही तो हैं, आओ के इन उनवा पर लिखकर कोई फिल्म बनाऊं मैं, और बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, आओ के वो बादल आसमां पर फिर से मोड़ के लाऊं मैं, और इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, आय हाय इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, आओ मोहब्बत जमा करके फिर जर्ब लगाऊं मैं, और पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम,
पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम आओ तुम्हें सिगरेट में भर के धुएं में उड़ाऊं मैं और किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है। किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है। आओ के मुझ में जिंदा है वो तुमको भी मिलवाऊं मैं और जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं। जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं। आओ के अपना किस्सा कह के महफिल लूट के लाऊं मैं। इस इश्क से कह दो के राहे आम तक ना आए। इस इश्क से कह दो के राहे आम तक ना आए। मुझे डर है कि ये तोहमत तेरे नाम तक ना जाए। और सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर। सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर। मुझे डर के ये दीवानगी ईमान तक ना जाए। बस में होता तो ऐसी सजा देता तुझे। हाँ तेरी बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारी बात कर रहा हूं कि बस में होता तो ऐसी सजा देता तुझे। लिखता और लिख के मिटा देता तुझे। तू भी जान जाता टूट कर बिखरने का दर्द मानी। तू भी जान जाता टूट कर बिखरने का दर्द मानी। आंसू बना के जो पलकों से गिरा देता तुझे। तेरे ही बारे तेरा ती गिनदा लेंदा तारे। मेरी वफाओं का एहतसाब कर दो तुम। आपकी बात कर रहा हूं मैं हैंड फ्री लगा के सर हिलाने वालों कि मेरी वफाओं का एहतसाब कर दो तुम। सोचो मत बस मुझे बर्बाद कर दो तुम। रोज जीता हूं फिर से मरने को मैं मानी। इस मोहब्बत से मुझे आजाद कर दो तुम। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। सो जनाब नए साल के हवाले से कोई अच्छा सा शेर लेके आएंगे। गजलें नहीं सुनूंगा जी, शेर सुनेंगे। सो जनाब अभी अभी से जो लोग कॉल करेंगे वो गजल नहीं लेके आएंगे, दो या चार मिसरे होंगे सिर्फ। जल्दी जल्दी कॉल्स लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? मिर्जा साहब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपकी कॉल दोबारा से मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मानी भाई राजा सचिव इस्लामाबाद। जनाब क्या हाल है आपके? नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी मुबारक हो। मानी भाई तो आप कॉल नहीं मिलती है तो लड़की की कॉल आप फोन लेते हो और डबल डबल ले रहे हो। उनकी किस्मत है जी, मैं बिना देखे लेता हूँ, नंबर तो आ नहीं रहे होते। नहीं नंबर नहीं आ रहे थे अभी जो ना, आई तो आयशा हमें कोशिश कर रही थी बार बार कॉल में आ जाती है। आयशा को हमने मना कर दिया जी। बस बहुत बड़ी मेहरबानी मानी भाई, उनकी शादी भी मेरे सामने पहले होने दी, आपकी शादी बाद में हुई। अच्छा ठीक है ठीक है मेरे भाई, नेक इरादे हैं आपके। हैं अरे भाई आपके लिए शेर है। जी जी। मौत का एक दिन मुकर्रर है मानी, मौत का एक दिन मुकर्रर है मानी, फिर तुझे रात भर नींद नहीं आती। अरे मोहब्बत हो गई है। जी जी मोहब्बत हो गई है और दूसरा ये कि मारा भी याद लिए। हाँ थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मानी भाई? मैं बिल्कुल ठीक जी अल्लाह का शुक्र, आपको हैप्पी न्यू ईयर। नाम बताएंगे? मैं तन्हा कसम इस्लामाबाद से कॉल कर रहा हूँ। जनाब क्या सुनाएंगे आप नए नए साल के हवाले से कुछ शेर एक दो? मैंने बस आपको हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए कॉल किया। चलें आप शेर नहीं सुना रहे हैं, मैं अगले शो में आपको कॉल करूँगा। चले ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक जी अल्लाह का शुक्र, कौन कहाँ से? मारिया फ्रॉम इस्लामाबाद। मारिया ने इस्लामाबाद से कॉल कर ली है। मारिया कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ अल्लाह का शुक्र है। मैं एक्चुअली कॉल कर रही थी जब आपकी बीमारी का मैंने सुना जी, तो लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी। हाँ उन दिनों में रब्ता किसी से नहीं हो सका, बस एक दो लोग थे जिनसे मेरा रब्ता था, बाकी किसी से रब्ता नहीं था। आप अगर कोई शेर आज कोई शेर सुना दें फिर गजल सुन लेंगे।
नहीं यार, मुझे शेयर चलेगा नेक्स्ट टाइम ही सही। चले ठीक है, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये थी जी मारिया इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कई लोग होते हैं कॉल मिलाने के बाद उनका कान जो होता है ना वो फ्यूज हो जाता है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मानी भाई? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? मैं तूबा बात कर रही हूँ, सियालकोट से। तूबा, कैसी हो तूबा? नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी हो। कैसे हैं आप मानी भाई? मैं प्यारा हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी प्यारी हूँ। अच्छा, फिर मैं नहीं हूँ। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या सुना रही हैं आप नए साल के हवाले से? नहीं भाई, मैं सुना नहीं रही है। अच्छा, इतनी देर से इंतजार कर रही थी। मैं इतनी देर से खरी खरी सुनाने की दिल कर रहा था मेरा, लेकिन मैं अभी नहीं सुना रहा। चले ठीक है, ना सुनाए। मानी भाई, मैं बहुत देर से आपको सुन रही हूँ, तकरीबन 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी कॉल 2 दफा लगी है। अच्छा, 2 दफा लगी है आपकी कॉल? जी। चले 2 दफा 5 साल में बहुत होता है, 2.5 साल में 1 दफा है। देखे ना, नहीं नहीं, इसी पिछले साल 1 दफा लगी थी, और एक 2020 में, और अब 2021 में। अच्छा, मतलब 2 दफा लग गई है, इसका मतलब है सालाना हो गया आपका। अगले साल भी अगले साल भी 2 तारीख को लगेगी आपकी। इंशाल्लाह। चले, और कुछ कहेंगी आप? जी, मैंने कहा मैं इस साल अपनी आपियों की शादी करवाना चाहती हूँ। आपियों की शादी करवाना चाह रही हैं आप? जी जी। अल्लाह आपके नेक इरादे में आपको कामयाब करे। आमीन आमीन, और आपको भी। आमीन आमीन। ए चाचू, आमीन ही ना आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और मानी भाई कैसे हैं, और कैसे जा रहे हैं आप? जा तो कहीं नहीं रहा, बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ जी। चले ठीक है। और मेरी आपियों का भी सलाम, क्योंकि वो आपको सुन रही हैं। चले, उन सबको मेरी तरफ से सलाम है, और उनको मैं बोलूंगा जी अगले घर का ध्यान करो, मेहरबानी ताड़ी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। असी फिके फिके जे, तू मीठा मीठा है, असी थोड़े सावले, तेरा ते बेड़ा ही गरक है। चिट्टा असी फिके फिके जे, तू मीठा मीठा है, असी थोड़े सावले, तू चिट्टा चिट्टा है, उसने तेरा है। तो जनाब, महफिल को 14 चांद लगाने के लिए 13 तो मेरे पास मौजूद थे, यानी कि मैं खुद ही था, लेकिन 14वां चांद भी लग गया है जी। सजाद खान साहब जो है वो पहुंच चुके हैं स्टूडियोज में, और यहाँ पे जो मेरे सामने बिल्कुल आ चुके हैं सजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच। लाइफ कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बेहतर। गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। कितने, 14-15 दिन हो गए? नहीं जी, आज 19 दिन हो गए। माशाल्लाह, अल्लाह की करनी थी। हाँ, और नया साल शुरू हुआ है, और मैं अल्लाह ताला का बड़ा करम है। मेरा ख्याल है उसने आपको 19-20 दिन दिए हैं रेस्ट के लिए। ऐसे ही है, मैं सोचने के लिए कोरोना सीजन में आपको याद, क्योंकि ऐसा कोई भी फील नहीं कर सकता। इट इज नॉट लाइक दिस आई एम सेइंग, कोई भी फील नहीं कर सकता कि आप कोई टेस्ट को पॉजिटिव हुए थे, फिर नेगेटिव हुए, आप रेस्ट करके लगता आए। ऐसे ही अल्लाह ने मौका। वेरी गुड, वेरी गुड, वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया। और सुनने वालों के लिए भी, और तमाम दुनिया को जो भी सुन रहे हैं उनको, सजाद खान की तरफ से और पूरे FM 101 चैनल की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। बहुत शुक्रिया सजाद भाई, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आपका भी अल्लाह करे 2021 बेहतरीन सालों में से एक साल हो इंशाल्लाह। हर साल अच्छा होता है। क्या क्या इरादे किए इस साल 2021? या 2020 तो वैसे तो जो है ना वो इट वॉज अ सैड ईयर, उदास कर दिया लोगों को, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी जो आप अगर आप सर्वेज उठा के देखें तो पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से जिन्होंने इसको कॉप अप किया है, और बहुत कम कैजुअलिटीज हुई है, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। नो डाउट इट वॉज इनफैक्ट इट वॉज अ सैड ईयर फॉर द होल ह्यूमैनिटी। सर, 8 करोड़ बंदा इससे मुतासर हुआ 2020 में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि उदास कर दिया चलती दुनिया को, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव लें तो यार बहुत सारी चीज़ें हमें सोचने को मिली, रिवाइव करने को मिली, कल्चर के हिसाब से, रिलीजियस के हिसाब से। मुझे तो इनफैक्ट बहुत टाइम मिला
सारों को टाइम मिला ऐसे ही, लेकिन देखने का होता नहीं है, आप कभी जाते हैं जरा रुक के पीछे नजर दौड़ाते हैं, रिकॉल करते हैं, तो एक फ्लैशबैक आती है। फ्लैशबैक में मुझे पता चला कि यार हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, सोते हैं उठते हैं फिर भागते हैं फिर सो जाते हैं, तो इस फ्लैशबैक में पता चला कि थोड़ा सा पॉज मिलता है ना जब, तो बंदा आप तो एक्सरसाइज और ट्रैकिंग वाले आदमी हैं, जब ट्रैक करते हैं थोड़ा सा सांस लेते हैं, सांस बहाल होता है तो फिर मजा आता है एनवायरमेंट लेने का, फिर आदमी तो ऐसा ही है। ये फ्लैशबैक अल्लाह ताला ने दिया, अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर आके इस पे रोना धोना चले जाएंगे और कहेंगे नुकसान हो गया, इकॉनमी ये होगी वो हो गया है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये अल्लाह की तरफ से था जी, ऐसा ही हाँ। अगर मैं मुड़ के देखूं इस सारे, मैं जब कोरोना सीजन में हम प्रोग्राम्स कर रहे थे, मैंने 6-6, 8-8 घंटे की ट्रांसमिशन की यहाँ पे, लेकिन एक मुझे क्या पता था कि एक दिन इसी के लिए, जिसके लिए लोगों को एहतियात का कह रहा हूँ, उसी के हंसे चढ़ जाऊंगा, लेकिन उसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत थी। आप याद नहीं, आप जस्ट रिकॉल दैट डे जब वो हमारी न्यूज़ कास्टर जो सीनियर थी वो एक्सपायर हुई, जी जी, शहीद हुई और इसी वबा से, तो आप कह रहे थे कि ज्यादा भी कोरोना रेडियो में आ गया, हाँ आप अपना ख्याल रखें, आप 2-3 दफा आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आप तो ख्याल रखना है, ये करना है, सैनिटाइजर आप दे के जाते थे और हाँ सारा कुछ, तो किसी को पता नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने बस थोड़ा सा इंसान को ये आजमाइशें नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से है, इसको पॉजिटिव लें बस, ऐसा ही है। नहीं मैं तो किसी भी टाइम पे इसमें नेगेटिव नहीं हुआ, ना मैंने कभी हिम्मत हारी, ना मैंने ये सोचा ये मुझ पे गालिब आएगा, तवक्कल जो बात है ना वो तवक्कल ही है। मतलब पाकिस्तान में अगर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को क्यों कम कोरोना हुआ जी, अब जब मुझे पता चल गया कि हो गया तो मैंने कहवे पीने शुरू कर दिए, और वो जो कहवे थे, वो जो स्टीम थी, वो जो यही चीजों के अंदर, मतलब कोई दवाई नहीं यूज की, कोई कुछ नहीं किया, और ऐसे निकल गए उसके अंदर से। नहीं वो वैसे भी जो है ना, वो आप अपनी अगर एक्टिविटीज को देखें ना, उसमें आप एक्सरसाइज भी करते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, जॉगिंग भी है, ट्रैकिंग भी है, लोगों को शायद पता है या नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है, हम देखते हैं, जो एक्सरसाइज वाला आदमी है इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग होता है, भाग दौड़ वाले आदमी हैं आप, तो रफ एंड टफ जो बंदा होता है वो थोड़ा सा जल्दी कवर कर जाता है, ऊपर से विल पावर बड़ी काम करती है। ऐसा ही इस काम में तो मेन चीज ही आपकी विल पावर है। विल पावर के अलावा जो मैंने ये देखा ना, लोग कहते हैं कि यार दिन को रात को प्रोग्राम करते हैं, वैसी बातें करके चले जाते हैं, दुआएं कितनी है अभी आपको पता चला? ऐसा ही है। मैं 20 दिन में आपको पता ही नहीं होगा कि यार लोग कैसे कैसे, मैं ऐसे ऐसे कॉलर्स को, बंदों को और बंदियों को जानता हूँ जिन्होंने आपके नाम के पीछे वजीफे तक किए हैं यार, वजीफे तक किए हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। मतलब मैं आई एम सिटिंग ऑन अ माइक और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि वजीफे तक किए हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स, बट दे ऑल आर योर लवर्स। ऐसे ही है। मैं अभी ये जो सलमान प्रोग्राम करके गया है, सलमान प्रोग्राम करके गया तो मैं अभी इसको ड्रॉप करने गया था, वरना मैंने 10 मिनट और पहले आ जाना था आपके पास, तो मैं अभी गेट से एंटर हुआ तो आप देखें कितनी ठंड है, कितना टेम्परेचर है, कितना मुश्किल आना जाना। मुझे अभी चौकीदार ने बताया कि सर आपका नाम क्या है, मैं कहा यार सज्जाद नाम है, तो फिर मैंने उसको बताया कि सज्जाद खान नाम है मेरा, नई टीम आई हुई है जी जी। फिर जी अभी गाड़ी में एक आदमी आया था, वो आपका इंतजार कर रहा था यार 1:45, वो कहते जी पहले 1:30 भी आया है। हाँ जी, वो शायरी देने के लिए आया था यार, देखें आप, आपका कोई फैन था, हाफिजाबाद से आया हुआ था मिलने के लिए रात को 1:30। हाँ तो आई सल्यूट टू द ये जितने भी सुनने वाले लोग हैं, मैं माजर चाहता हूँ, मैं मुझे पता भी नहीं था ना, मेरा मुझे किसी ने टेलीफोन करके बताया, तो मैंने कहा यार अभी वो आए तो उनको अंदर भेजना, कहता सर अभी कहाँ आएंगे, अभी तो वापस गए हैं, कोई 1 घंटा इंतज़ार करके बाद। तो ऐसे लोग जब बेलॉस आपके लिए दुआएं करते हैं यार, तो वो कहीं ना कहीं तो हिट करती है ना। ऐसे ही ये दुआएं आपका आपकी किस्मत मुकद्दर बदल देती है, मुकद्दर बदल देती है, ऐसा ही है। और मैं आज अगर इतना हशाश बशाश और इतना मतलब ठीक होके वापस आया हूँ, तो इसमें मेरे चाहने वालों की दुआएं थी। ऐसे ही मैं इन्हीं के नाम करता हूँ जी, 2021 का आगाज मेरा आप सभी चाहने वालों के नाम, जीते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और सज्जाद भाई आप बताएं कैसी चल रही है लाइफ, जिंदगानी? यार अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हर हाल में शुक्र है। जो बाकी दुनिया के साथ काम वाम के सिलसिले हैं वही हमारे साथ भी होते हैं, हम भी इंसान हैं, बिजनेस में भी हैं और बिजनेस के हालात भी आपको पता है, लेकिन बहरहाल यार अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र, आप जितना शुक्र करते हैं अल्लाह ताला वैसे ही रास्ते निकाल देते हैं। ऐसा ही है इसमें, तो अब ये कंपैरिजन करना कि 2018 में क्या हुआ था,
फिर 2019 में कितने पैसे बचे, कितने चले गए, ये तो वैसी फजूल सी बात है। ऐसे ही है। जितना रिस्क रोटी लिखा वो मेरे वो मिल ही जाए। दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने लिख दिया था, उसको मैं कम नहीं कर सकता, उसको बढ़ा सकता हूँ। ऐसे ही है। शुक्र करके बढ़ा सकता हूँ, उसको बांट के बढ़ा सकता हूँ, उसको इकट्ठा करके लोगों को मैं टीम वर्क के साथ चल के बढ़ा सकता हूँ। बढ़ाने के तरीके हैं, कम होने का कोई चांस नहीं है। वो लिखा पड़ा है। वो लिखा तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, उस जात का बड़ा शुक्र है। अल्लाह आपको खुश रखे। सजाद भाई एक शेर तो हम सुनेंगे आज आपसे। यार शेर तो मैं सब सबसे ही सुन रहा हूँ, वो नया साल शुरू हुआ है कुछ दो शेर। नहीं वो नए साल के हवाले से तो खैर इसको फॉलो करते हैं हम, नो डाउट। बड़े लोग कहते हैं, माइक पे भी कहते हैं कि हम जी इसको नहीं मानते हैं, लेकिन यार इसी के हिसाब से हम जो है ना वो जिंदगी चला रहे हैं, जिंदगी चला रहे हैं। तो नो डाउट ये हम फॉलो करते हैं, इसी वजह से हम हैप्पी न्यू ईयर भी कहते हैं, नया साल मुबारक भी कहते हैं कि इसको फॉलो करते हैं। प्लस जो लोग अकीदतन या मजहबन या जैसे क्रिश्चियनिटी है या जैसे वो लोग हैं, उनको तो उनका तो साल है ना, तो हम उनकी खुशियों में भी खुश हो रहे हैं, उनको भी हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। जितने मेरे दोस्त थे क्रिश्चियन हैं मेरे काफ़ी सारे दोस्त, कोई अमेरिका में कोई पाकिस्तान में, उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। और अब तो वो शेर भी नहीं कह सकते ना, पहले तो शायरी का प्रोग्राम करते थे तो एक बड़ा अच्छा शेर था फैसल अजमी साहब का कि पहले जैसी हिजरत हो रही है, वो ऐसे ही था कि वही पिछला बरस अगले बरस में आ गया है। तो हम वो भी नहीं कह सकते कि ये पिछला बरस अगले बरस में आ गया, अल्लाह ना करे कि वो आए, ऐसे ही। लेकिन शेर के हवाले से अपने अपने अपना कोई फेवरेट सुना दे। फेवरेट तो बहुत सारे हैं यार, फिर सुना दे। सलीम कौसर साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे, उन्होंने लिखा था कि मुझको इसी बात का तो कम है, दुनिया मेरी आरजू से कम है। आए। तो अल्लाह ताला जो है ना वो आरजू पूरी करने वाला है, ना हो तो पूरी नहीं होती है, और अगर आप शुक्र करें तो पूरी हो जाती है। और वो तो आपको पता ही है कि वो दरीचे में कब नहीं आता। आए। मैं इसी का इंतजार कर रहा था, मैंने कहा आने वाला है ये है। जब जरूरत हो तब नहीं, तब नहीं आता। तो अल्लाह ताला सबकी जरूरतें पूरी करे। और प्यार में याद है जुदाई मुझे, ये सबक सबका सब नहीं आता है। और हुस्न उसकी बड़ी निशानी है, निशानी है ना, अपनी अपनी निशानी है, ऐसे ही उसकी हुस्न है। हाँ, हुस्न उसकी बड़ी निशानी है, उसका नाम और नसब नहीं आता, उसका नाम और नसब नहीं आता। क्या बात। हाँ, बात उसको अधीम आती है, बात करने का ढब नहीं आता। थैंक यू सो मच सजाद भाई। और एक छोटा सा आपसे, आपके लिए एक नया कलाम है छोटा सा। यार मैं कभी कभी आई गेट आई बिकम लाइक जेलस विद यू। दो तीन खवातीन आई पिछली दफा, कह रही हमने मानी का कलाम सुनाना है। यार क्या बात है। तो इट्स वेरी गुड कि यार हमारी टीम में से ऐसे भी लोग हैं, शायरी तो बहुत सारे लोग करते हैं, जितने भी प्रोग्राम करने वाले हैं, ये खासा रहा है FM 101 का नहीं है, ये DJ फैमिली का खासा रहा है। किताबें भी आती हैं, शेर भी लिखते हैं और लिखने चाहिए, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू यू कि आपकी किताब अभी आई नहीं है दूसरी। जी अभी दूसरी नहीं आई। और लोग जो है वो आपका कलाम दूसरी किताब वाला जो अनपब्लिश है वो प्रोग्राम में गुंचा शौक में सुनाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। वो है सजाद भाई के अभी जैसी सिचुएशन से गुजरा, वो गजलें नज़में तो बड़ी लिखी, तो अल्लाह याद आता है आपको पता है। वहां लिखा के ना बंदिया तेरी औकात है ना तेरे बस की बात है। ना बंदिया तेरी औकात है ना तेरे बस की बात है, ये जो सब चला रहा है ना ये मेरे अल्लाह की जात है। और ये जो फैला है कूबकू ये उनका शुगल मेला है। ये जो फैला है कूबकू ये उनका शुगल मेला है, जो जर्रे जर्रे को याद है वो मेरे अल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह। जनाब इसी शेर के साथ छोड़े जा रहा हूँ, और इस ट्रैक के साथ के जहाँ रहिए खुश रहिए, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी, बड़ी प्यार से। सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। मानी इज गोइंग टू साइन आउट। अल्लाह हाफिज। फी इमान अल्लाह।
वे सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे ते राती गिणदा रहंदा तारे असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए असी तारे